हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ है आज निशांत सर। निशांत, तो डियर, इस सेशन में हम आपके लिए हमारा जो फिजिक्स इको का टेस्ट है 8 नंबर, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस टेस्ट में हमने आपके लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म और मटेरियल वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन रखे। टोटल 90 क्वेश्चन है। तो जनरली क्या मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से ना लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो कोशिश वैसे ही की गई है, लेंथी कम रखने की कोशिश की गई है। बाकी पूरा पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू नीट हमने सेट किया है। तो चलिए सर, डिस्कशन स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 12 HP मोटर हैज टू बी ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे, हाउ मच विल इट कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर किलोवाट इन 10 डेज। कि एक मोटर है जिसकी पावर है 12 HP और पर डे 8 आवर्स की उसकी रनिंग है, तो हमें 10 डेज के आफ्टर कितनी किलोवाट यूनिट्स हो जाएंगी, उसके बेसिस पर टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है। बेसिकली इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज हो गया है इसका। तो इसमें यदि मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, तो देखो सबसे पहले तो मोटर जो है ये 12 HP की है। मोटर यदि 12 HP की है तो 12 HP के करस्पॉन्डिंग यदि मैं जूल में बात करता हूं, इट इज 12 × 746 जूल पर सेकंड। तो सबसे पहली चीज तो कि मोटर जो है वो पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी, ये इसकी पर सेकंड एनर्जी है। और हमसे ये कहा गया है कि पर डे रनिंग जो है वो 8 आवर्स। तो 8 आवर्स की है, तो पर डे यूज एनर्जी की यदि मैं बात करूं, पर डे यूज एनर्जी That is 8 × 60 × 60 × 12 × 746। ये अपने पास पर डे यूज्ड एनर्जी आ गई। तो टोटल डेज जो है दैट इज 10। तो टोटल एनर्जी जो अपने पास आ रही है 10 डेज के लिए, दैट इज 10 × 8 × 3600 × 12 × 746। ये टोटल यूज्ड एनर्जी आ गई। अब अपने को ये कहा गया है कि भाई पर किलोवाट आवर, एक किलोवाट आवर में यदि मैं जूल की बात करता हूं ना, तो 1 kWh इज करस्पॉन्ड्स टू 1 × 10⁶ एंड व्हाट इज जूल पर सेकंड एंड द आवर, दैट इज 3600 सेकंड्स। सो दिस वैल्यू इज 36 × 10⁵ जूल। तो अपने पास 1 जूल की एनर्जी है, टोटल यूज्ड एनर्जी है, तो अपन टोटल किलोवाट आवर निकाल सकते हैं। तो टोटल kWh की यदि मैं बात करूं, That is E divided by 36 × 10⁵, और per kWh की जो price है, that is 50 पैसा per kWh, that means it is 1/2 rupees। तो total price की यदि मैं बात करता हूँ, तो total price जो अपने पास आ रहा है, that is E into में 36 × 10⁵ multiplied 1/2। तो यहाँ से यदि अपन बात करें, तो total price जो इसका आता है, that is approximately 358 rupees। टोटल प्राइस जो होगा दैट इज 358 रुपीस। चलिए सर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वन ऑफ 200 वोल्ट 40 वोल्ट एंड द अदर इज 200 वोल्ट 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन अ हाउस वायरिंग सर्किट एंड दे हैव इक्वल करंट। ठीक है, इसमें क्या है कि हाउस वायरिंग बोला है ना, दैट मींस देयर विल बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सर। तो बोला है कि देख, इनकी जो रेटिंग दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमारे पास 200 वोल्ट और 40 वोल्ट। तो बेसिकली रेटिंग है क्या, रेटिंग है कि अगर इस बल्ब को मैं 200 वोल्ट पर कनेक्ट करता हूँ तो ये 40 वोल्ट हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन करेगा और ये 200 पर 100 वोल्ट का कंजम्पशन करेगा। तो रेटेड पर अगर मैं इसके लिए रेटेड वोल्टेज पर पावर लिखी, तो वो हो जाएगी पी रेटेड इक्वल टू वी रेटेड का स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हम एक तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं रेटेड पावर से। ठीक है, तो वो कितना आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस आ गया V रेटेड का स्क्वायर बाय P रेटेड। ठीक है, अब बोला क्या है इन्होंने कि कनेक्शन है हाउस होल्ड्स में, हमारे पास पैरेलल कनेक्शन होते हैं, तो ऑप्शन पढ़ते हैं जरा। बोला है दे हैव इक्वल करंट्स थ्रू देयर। अब देखो पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट का सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है, तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन बोथ द बल्ब्स इज सेम। अब रेजिस्टेंस पे कमेंट करवाइए, तो यहां अगर हम देखें तो दोनों के लिए जो रेटेड वोल्टेज है वो तो है सेम, तो हम रेजिस्टेंस पे कमेंट कर सकते हैं उनकी रेटेड पावर से। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके फिलामेंट का कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 100 वोल्ट वाले का मतलब 100 वोल्ट वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा 40 वोल्ट वाले से। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन बोथ आर सेम, ये तो रॉन्ग हो गया। The resistance of the filament of 40 watt
विल बी मोर देन 100 वॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ जो है वो इसका अपोजिट है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास सेकंड का हो जाएगा 3। ठीक है सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में बोला दैट 40 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई। आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड द रिमेनिंग 39 आर कनेक्टेड अगेन इन सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई द इल्यूमिनेशन विल बी। कि 40 बल्ब है और अपन ने उनको सीरीज में एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया, बाद में क्या किया एक को रिमूव किया और 39 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और इल्यूमिनेशन के बारे में बात की है। देखो यदि मैं इस केस में सीधा सीधा टोटल इल्यूमिनेशन लिखना चाहूंगा तो उसको अपन वी स्क्वायर अपॉन आर टोटल से पुट कर सकते हैं। पहले वाले केस में 40 बल्ब है तो ये 40 आर, दूसरे वाले केस में 39 बल्ब है तो दिस इज विल बी 39। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सेकंड वाले केस में रेजिस्टेंस लेस है, दैट मींस सेकंड वाले केस में पावर जो होगा दैट पावर विल बी हाई। एक चीज तो अपन ने यहां से कंक्लूड कर ली, सेकंड वाले केस में पावर जो है वो अपने पास हाई है। अच्छा तो चलिए पहले वाले ऑप्शन में बोल रहा है द इल्यूमिनेशन विल बी कि मोर देन विद 40 बल्ब्स देन विद 39, तो गलत बात होगी। मोर देन विद 39 बल्ब्स देन विद 40, बिल्कुल सही बात है, सही बोला आपने कि सेकंड वाले केस में इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सर्किट का लेस है। थर्ड वाले में तो इक्वल बोल रहा है, फोर्थ वाले में कुछ रेशियो दिया है जो रेशियो अपने पास आ नहीं रहा, द रेशियो विल बी आई थिंक 40:39, तो ये वाला रेशियो भी गलत है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है अ हीटर कॉइल इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ देम इज यूज्ड इन द हीटर, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बाय दिस हाफ कॉइल टू दैट बाय द ओरिजिनल कॉइल। कि हमारे पास कोई हीटर है बेसिकली जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ठीक है, एल लेंथ का, तो रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास रो एल अपॉन ए, इसकी वजह से हीट कंजम्पशन करता। अब क्या कि हमने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ अगर हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी इस पार्ट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इस हाफ पार्ट को फिर से हमने उसी हीटर में लगा के सेम सप्लाई से कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, यहां बात करें तो पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा क्योंकि सेम सप्लाई से कनेक्ट किया है तो इसलिए वी तो सेम हो गया, रेजिस्टेंस कितना रह गया आर बाई। तो बोला है कि रेशो जो है हमारे पास सेकंड केस में वो फर्स्ट केस से कितना हो जाएगा, तो आप साफ साफ देख सकते हो ये डबल हो गया, तो पी टू बाई पी वन का रेशो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब जनरली क्या है ना, यहां से दिमाग में बात उठती है कि जब यदि ऐसा है तो फिर हीटर कोयल की लेंथ ज्यादा क्यों रखते हैं, थोड़ी सी लेंथ भी रख सकते हैं ना, मतलब अपन उतनी ज्यादा लेंथ की बजाय हाफ लेंथ की हीटर कोयल लगा दे, उससे ज्यादा अच्छा कंट्रोल मिल सकता है, इस हिसाब से अच्छा मिल सकता है, लेकिन वहां प्रॉब्लम होगी बेटा ना। प्रॉब्लम क्या होगी कि कोयल से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी तो कोयल मेल्ट हो जाएगी, तो कोयल रहेगी ही नहीं क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी जो होगी ना तो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो हीटर का जो पर्पज है वो तो फिर फुलफिल हो जाएगा, बार बार जो है उसकी कोयल चेंज करनी पड़ेगी और कॉस्ट बढ़ते जाएगी हमारे, तो एक ही बार में करना फिर ज्यादा फायदे में रहेगी। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हेन टू रेजिस्टेंसेस R1 और R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज द कंज्यूम 12 वोल्ट पावर, when they are connected in parallel they consume 50 watt power, what is the ratio of powers of R1 and R2 if connected separately with same source। ki matlab do resistances hai, yadi apan dono ko ek source ke sath series mein add karte hain to 12 watt ki power consume hoti hai total, dusre wale case mein yadi unko parallelly lagate hain to 50 watt ki power hoti hai, yadi main unko separately lagaun to unki power ka jo ratio aata hai wo kya aata hai। dekho yadi apan sabse pehle series combination ki baat karte hain, सेम सोर्स है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आता है 1/P1 + 1/P2 दैट इज 1/P=1। तो यहां एक तो अपने पास ये आ चुका है, दूसरा यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करता हूं तो पैरेलल में फॉर्मूला आता है P1 + P2 = P=, इसको डैश बोल देते हैं, दिस वैल्यू इज 50 एंड दिस वैल्यू इज 1/12। अब मेरे पास दो फॉर्मूलाज है, मेरे को इनसे P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, तो यहां से अपन एक चीज तो ये निकाल सकते हैं सर, LCM लिया P1 P2 P2 plus P1 that value is 1/12 and this value is 50, यहाँ पर put किया it is 50 upon P1 P2 is equals to 1/12, तो P1 P2 is 600 and P1 plus P2 that is 50। यहाँ से देखिए तो एक directly सीधा भी नजर आ रहा है कि एक 30 होगा एक 20 होगा, 30 plus 20 that is 50 and 30 into 20 that is 600, बाकी आप चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से P2 की वैल्यू जो है दैट इज 50 - P1 और 50 - P1 अपन यहां पुट कर दें, P1 into 50 - P1
दैट वैल्यू 600, यहां से भी दो वैल्यूज आएंगे, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, फर्स्ट वन इज 30 एंड सेकंड वन इज 20. तो यदि अपन वहां से रेशियो देखें, देखो 3:2 या 2:3 दोनों ही वैलिड होंगे फिर, लेकिन अपने आंसर में केवल ऑप्शन थर्ड वाले में 3:2 ही दिया, 2:3 जैसा कुछ दिया नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी थर्ड. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोला इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट, 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, 5 फैंस ऑफ 80 वॉट एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलो वॉट. The voltage of the electric mains is 200 volt. The minimum capacity of the main fuse of the building. ठीक है. 220 volt. तो building में क्या किया हमने? इतने सारे equipments जो है वो connect किए. Clear? अब जो भी हम connections करते हैं, households में वो कौन से होते हैं? Parallel connection. ठीक है. तो इसने बोला है कि कितनी minimum capacity का हम fuse यहाँ पर लगाना है. अब fuse wire basically operate कैसे करता है? फ्यूज वायर में जब भी हैवी करंट फ्लो होता है तो वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा लेता है. तो बेसिकली मैं इसमें जो हमारे पास मिनिमम करंट जो पॉसिबल है वो मैं कैलकुलेट कर देता हूं यहां पर. बिल्कुल ठीक है. तो देखो तो इसमें अगर हम देखें तो सारे के सारे कनेक्शन हमारे पास पैरेलल होंगे. तो ये सपोज ये हमारे पास एक बल्ब हो गया जिसकी पावर P1 है. ठीक है. इसी तरह से बाकी बल्ब आते जाएंगे तो सबकी पावर बेसिकली ऐड होती जाएगी. क्यों? क्योंकि सभी जो है वो रेटेड सप्लाई पे कनेक्ट हो गए पैरेलल्स में. तो हम इसका टोटल पावर कंजम्पशन निकाल लेते हैं. तो सबका टोटल पावर अगर कंजम्पशन देखें तो एक बल्ब का है 40, तो 15 का हो जाएगा 40 × 15 प्लस हमारे पास 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट तो इनका हो जाएगा 500 प्लस 5 फैंस के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 400 और 1 हीटर ये हो जाएगा हमारे पास 1000. क्लियर. तो टोटल पावर कंजप्शन जो है वो आ गया हमारे पास 2500 वॉट. क्लियर. अब सोर्स जो है वो 220 वोल्ट का है तो इस टोटल पावर को मैं लिख सकता हूं I × V और V की वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट. तो I आ जाएगा यहां से हमारे पास 2500/220 जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 11.36 एम्पियर. मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 11.36 एम्पियर का फ्लो हो रहा है. अब हमें क्या पूछा, हमसे पूछा मिनिमम कैपेसिटी बतानी है उस फ्यूज की जिससे ये जो इक्विपमेंट है हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन है वो सेफ रहे. तो इसके लिए मेरे को मिनिमम इतनी रेटिंग का तो चाहिए, इससे कम का नहीं चलेगा. ये मतलब वो ना एक बार जेई मेन में ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें ब्लॉक के मास के बारे में कमेंट किया गया. तो उससे एग्जैक्टली मतलब जो मास अपने पास आया उससे जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देने वाला मास अपने को चूज करना था. तो जैसे इस वाले ऑप्शन में यदि आप बात करोगे ना तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन 13 और 14 एम्पियर है. अब इसमें आपको सोचना है कि 11.36 से ऊपर फिर मिनिमम का और पूछा गया है. आप 14 भी करेंगे तो 14 विल बी वर्क फाइन, कोई दिक्कत नहीं होगी. बट मिनिमम वाले केस में चार ऑप्शंस में से चूज करना चाहें तो 11 से ग्रेटर और फिर मिनिमम वाले के बारे में आपको सोचना है. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि तीन बल्ब है V1, V2 एंड V3, थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ स्टेडी स्टेट EMF विद K closed. What happens to the brightness of bulb V1 and V2 when key is opened? देखो generally क्या है, students इसे question को ना theoretically याद करने की कोशिश करते हैं. कुछ नहीं करना है बेटा. जब भी ऐसा question आए power calculate कर लो हर एक bulb से. total power के ऊपर आप directly comment कर सकते हैं. जैसे यदि अपन इसमें बात करें सर, next slide move करना. एक bulb अपने पास है, तीनों identical bulb है ना. यदि तीनों identical bulb है तो इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, सबका R, इन दोनों का R/2 plus R, that is 3R/2. तो सर्किट में से जो करंट आ रहा होगा V/3R/2 आ रहा होगा. तो इसमें से करंट जा रहा होगा V/3R और इसमें से करंट जा रहा होगा V/3R. यदि नेक्स्ट वाले केस में आपने इसको ओपन कर दिया तो सिचुएशन जो है वो सिंपल इतनी सी रहेगी. दिस इज रेजिस्टेंस R, दिस इज R, द करंट विल बी V/2R. It is V by 2. तो किसी भी इंडिविजुअल बल्ब की यदि बात करें तो उसमें से पावर को अपन I²R से बोल सकते. बिल्कुल. तो I जो है जैसे इस वाले केस में बात करोगे ना तो this is 0.5 V/R and this value is 0.67 V/R. इसका मतलब इस वाले बल्ब की करंट डिक्रीज होगी तो पावर भी डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन इस वाले में यदि बात करोगे this is 0.33 R and this value is 0.5 R. मतलब इस वाले में से करंट जो है वो इंक्रीज कर गई तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, उसकी ब्राइटनेस घटेगी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो यदि अपन ऑप्शन से बात करें तो फर्स्ट वाले में कहा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1 इंक्रीजेस दैट B2 डिक्रीजेस, गलत बात. ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1 एंड B2 इंक्रीजेस, गलत.
brightness of bulb B1 decreases, B1 से current decrease हो रही, बिल्कुल सही बात, and B2 will increase, बिल्कुल सही बात, तो third option जो है अपना, that is the correct answer. चलिए सर अगले question की बात करें, question number 8. Question बोला, the electric current passing through a metallic wire produces heat effect because of, किसी भी metallic current, metallic wire में जब current flow होता है, तो basically वो हमने देखा है कि उसमें heat loss देखने को मिलते हैं, I square R, तो वो गर्म हो जाता है, तो उसका exact reason क्या है, उसके ऊपर question है ये. तो बोला कोलिजंस ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द मेटल वायर, बिल्कुल सही बात है हमारे पास, कि बेसिकली होता है क्या है कि किसी भी मेटल में जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसकी वजह से उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं. अब उसमें एटम्स बहुत ज्यादा है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर अवेलेबल एटम्स से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो उसकी वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, जो एनर्जी बेसिकली हीट में कन्वर्ट होती है. तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये, फर्स्ट वन इज द करेक्ट. ठीक है, आगे बोला कोलिजन ऑफ द एटम्स ऑफ द मेटल विद ईच अदर, एटम्स के कोलिजन की वजह से ये प्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो अगर उन्हीं से अगर हीट प्रोड्यूस होना होता तो उसको वो तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी हो जाता. बिल्कुल, द एनर्जी रिलीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द मेटल, तो बेसिकली सिंगल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर हमारे पास, बाकी आयोनाइजेशन होता भी नहीं, होता भी नहीं. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, इज दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ड्रॉ पावर पी नोट एट वोल्टेज वी नोट, द वोल्टेज वी इट ड्रॉज एट पावर पी, वो बोल रहा है कि जब आपने V नोट वोल्टेज अप्लाई किया तो पावर P नोट, पावर P नोट है तो रेजिस्टेंस मेरे पास V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय P नोट आ गया सीधा. दूसरा फिर ये बोला गया कि जब आपने वोल्टेज V अप्लाई किया तो पावर P जो है उसकी वैल्यू बतलानी है एक्चुअली. हमने कहा पावर P इज V स्क्वायर बाय R, अब रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है तो वैल्यू अपने पास आ गई V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V नोट स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद P नोट. तो यहां से पावर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज V बाय V नोट का स्क्वायर. एक तो इतनी रेटिंग्स का हमारे पास क्या एक बल्ब है यार, 500 वॉट और 100 वोल्ट, और इसके साथ सीरीज में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस आर लगा दिया और सप्लाई वोल्टेज जो है वो है 230 क्लियर. तो आर की वो वैल्यू बतानी है जिससे ये परफेक्टली अपने पास उसी रेटिंग्स पे जो है 500 वॉट कंज्यूम कर ले. तो देखो अगर इस पे इस बल्ब पे पोटेंशियल ड्रॉप 100 वॉट आ जाएगा तो ये 500 वॉट से ब्राइट करेगा, मतलब इस पर कितना आएगा हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, वो आएगा 100. तो इस पे कितना रहा होगा, इस पे रहा होगा हमारे पास 130 रेजिस्टेंस आर है और आपको करंट चाहिए 5 की, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आर विल बी 26 ओम, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 11. तो देखिए 11th में बोला जा रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज, A इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, द वैल्यू ऑफ x इज. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यदि याद है तो, कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स दिया जाता है ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, और ये जो फोर्स आता है ना ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट मींस वी कैन से दैट एक्सीलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो जनरली फिजिक्स में नीट के पेपर में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो कंक्लूजन लगभग टाइम यही रहता है कि उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो की पुट करनी है. तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई दो वेक्टर्स एक्सीलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए. तो जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी 2x प्लस में 3 माइनस 4, दिस वैल्यू विल बी जीरो. तो यहां से अपने पास 2x जो है वो बेटा 1 आ गया, 1 आ गया, तो x की वैल्यू जो अपने पास आ रही दैट वैल्यू इज 1/2. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन.
which of the following graphs currently represent the variation of heat energy produced in a metallic conductor in a given time as a function of potential difference across the conductor? तो हीट एनर्जी का हमें वेरिएशन बताना है पोटेंशियल के साथ. तो हीट एनर्जी क्या होती है हमारे पास? V स्क्वायर बाई R. तो बेसिकली U और V में कैसा रिलेशन आ गया? पैराबोलिक रिलेशन आ गया. तो ये पैराबोला किधर ओपन होगा? U की तरफ. तो ये हमारे पास फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा. बिल्कुल. इसमें नेक्स्ट स्लाइड भी आना सर एक बार प्लीज. देखिए जनरली पैराबोला में यदि अपन बात करें ना, आपके सिलेबस में जो पैराबोला है उसके अकॉर्डिंग में बात करूं तो चार टाइप के पैराबोला होते हैं. आपको पैराबोला की इक्वेशन मतलब ग्राफ देख के ऐसे पहचानना, जैसे इस वाले में पैराबोला आपको ऐसा भी मिल रहा था और इस वाले में पैराबोला आपको ऐसा भी मिल रहा था, तो आप इन दोनों में से फिर कौन सा पैराबोला चूज करेंगे? सिंपल सी ट्रिक है. यदि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना, तो आप प्लस एक्स की तरफ मुंह खोल दो उसका. यदि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ खोल दो. यदि मेरा एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई है तो प्लस वाई की तरफ मुंह खोल दो, और एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है तो माइनस वाई की तरफ मुंह खोल दो. बात करता हूं आपके सिलेबस में पैराबोला इस चार टाइप की आपको इक्वेशन मिलेगी जिस आइडेंटिफाई करना है. तो उस वाले में अपने पास यू प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर था ना, तो मेरे को यू की तरफ मुंह खोलना था. अब यू की तरफ खोलना है तो ऊपर की तरफ बढ़ा दो तो फोर्थ अपना करेक्ट होगा. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि द टू आइडेंटिकल वायर्स ईच ऑफ लेंथ एल carry the same current. Wire A is bent into a circle of radius R and B is bent to form a square of side A. If B and BB are the values of magnetic field at the centers of circle and square respectively, then the ratio BA on BB is. Next slide में आंसर. Actually क्या है? पहले वाले केस में तो वायर से अपन ने एक सर्किल बनाया, तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि साहब 2 pi R की वैल्यू जो है वो L के इक्वल है. बिल्कुल. तो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास आएगा दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R. अब R की जगह मैं L के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दूं तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 साथ में L अपॉन 2 पाई. अब देखो डियर यहां से 2 तो कैंसिल आउट हो गया. दिस वैल्यू म्यू नॉट पाई आई डिवाइडेड बाई L. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल. दूसरे वाले केस में इन्होंने स्क्वायर के लिए बात की है, तो स्क्वायर वाले केस में बेटा साइड लेंथ यदि A होती है, यदि इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो इन चारों वायर्स की तरफ से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी मतलब चारों का एडिशन हो. यदि मैं इंडिविजुअल वायर की तरफ से बात करूं तो इट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब इस वाले केस में वायर से पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a बाय 2 साथ में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 sin 45 प्लस sin 45 दैट इज 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2. यहां से यदि मैं सोल्व करता हूं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए. अच्छा अब देखो ये 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 दैट इज 2 बाय रूट 2 दैट कैन बी रिटन एज रूट 2, और ए के प्लेस पर आपको पुट करना है एल बाई 4. तो बी वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है दैट इज 8 रूट 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई. यदि अपन इन दोनों के रेशियो की बात करते हैं BA अपॉन BB, तो ये वाला रेशियो अपने पास आ रहा है BA अपॉन BB, दैट रेशियो इज कमिंग एज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 रूट 2. तो यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो थर्ड वाला जो आंसर है वो अपना करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. 14th वाला जो है द मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग DL एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर एंड एलिमेंट कैरिंग करंट आई. ठीक है, बेसिकली पूछ लिया है कि बायो सावर्ट जो लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है. तो हमें देखते हैं जरा क्या होती है हमारे पास बायो सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म. ये होता है डी वी इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू. अब जो ऑप्शन ये दे रखा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये हमारे पास 4 दे रखा है, 4 करेक्ट हो जाएगा. बिल्कुल. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हमने मिक्स्ड सा पेपर मतलब हमने कहा था कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो कैलकुलेटिव भी कंसेप्चुअल भी आते हैं. जैसे बायो सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म जो जनरली म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों को याद होता है, वो ये ध्यान नहीं रखते कि डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू भी होता है. चलिए नेक्स्ट वाले की बात करते हैं 15 में. दैट अ स्टेडी करंट आई गोस थ्रू ए वायर लूप पीक्यूआर हैविंग ए
राइट एंगल ट्राइंगल विद PQ इज इक्वल टू 3x, PR इज इक्वल टू 4x एंड QR इज इक्वल टू 5x इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस लूप इज K mu not I upon 48 pi x देन द वैल्यू ऑफ K. मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये अपने पास PQ, ये PR और पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. देखो पॉइंट P पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो PQ की वजह से जीरो, QR की वजह से जीरो, सॉरी PR की वजह से जीरो, जो भी होगा QR की वजह से होगा. यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस d, साथ में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 आइडेंटिफाई करने, अपने को ये डिस्टेंस गिवन है 3x और ये डिस्टेंस गिवन है 4x. तो मैं यहां से यदि इस वाले एंगल की बात करना चाहूं तो दिस एंगल विल बी 37. 1037 इज 3/4. तो अब जैसे 3/4 करोगे 1037 आ रहा है, ये 37 है मतलब ये वाला एंगल 53 और ये वाला एंगल 37. अपने को एंगल मिल गए. अब मुद्दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है भाई, ये डिस्टेंस है 3x, तो d जो होगा दैट विल बी 3x cos 37 और cos 37 होता 4/5, सो दिस वैल्यू इज 12x/5. मतलब हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज पुट करनी थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साथ में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, अपन ने थीटा 1 देख लिया, थीटा 2 देख लिया और डिस्टेंस d देख लिया, तो वैल्यू पुट करनी है केवल. चलिए रख देते हैं सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d इज 12x अपॉन पाई 5 एंड दिस इज sin 37 दैट इज 3/5 प्लस sin 53 दैट इज 4/5, सो दिस वैल्यू विल बी 7/5. ये 5 तो कैंसिल आउट हो गया, सो दिस वैल्यू कम्स अ 7 म्यू नॉट आई अपॉन 48 पाई x. यदि हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमें k की वैल्यू चाहिए, आप डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो यहां से k की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज 7, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 में. फर्स्ट मतलब अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइंस इट इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरीज अ करंट ऑफ 100 एंपियर From east to west, the magnetic field directly below it on the ground. कि ये हमारे पास एक पावर लाइन होगी जिसमें करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है इधर 100 एम्पीयर और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो दे रखी है 4 मीटर और ग्राउंड के इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. क्लियर? तो एक तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, देखो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो अंदर की तरफ इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? साउथ. ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी वर्टिकली अपवर्ड और ये वर्टिकली डाउनवर्ड. जनरली है ना सर, डायरेक्शन वाले पॉइंट में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जिस एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, एग्जाम हॉल में क्या होता है, देखो जनरली ऐसा दिशाक्रम होता है. आप भी किसी दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझ में नहीं आता. आप किसी दूसरी सिटी में पेपर देने जा रहे हैं, आपको बात समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है. तो एक सिंपल सी ट्रिक बोलता हूँ, आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को ईस्ट पकड़ के बैठ जाओ. अब याद करो आपके घर में ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जो है ना वो 90 डिग्री घर की लोकेशन सबको ध्यान रखती है, वहां पे वहां तो सही रहता है ना. तो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ना तो नॉर्थ है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वेस्ट है, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज पे साउथ है, फिर 90 में वापस ईस्ट आ जाएगा. तो मतलब एग्जाम हॉल में ये ढूंढने की जरूरत नहीं है. कई बार बच्चे ऐसे 2-3 मिनट तक ऐसे खोल रहे हैं यार ईस्ट वाली डायरेक्शन कौन सी वाली. आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़े, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ बात सेट कर लो. चलिए सर कंटिन्यू करते हैं. इसके अलावा ये चारों डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ पे यहाँ पर बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो हो सकता है आप जब भी देखा हो आपने तो इस तरह से ये चारों डायरेक्शन ड्रॉ की जाती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ जो है वर्टिकली अपवर्ड है, ये चारों के चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होती है. क्लियर? बट बोर्ड पे ड्रॉ इसको ऐसे ही करना पॉसिबल है इसलिए इस तरह से लिखा जा रहा है. ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो ये ईस्ट ये वेस्ट, अंदर की तरफ नॉर्थ, ये हो जाएगी हमारे पास साउथ, ये वर्टिकली अपवर्ड ये वर्टिकली डाउनवर्ड. देखो ईस्ट से 90 एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ तो नॉर्थ अपने पास है. अब बेसिकली हमें इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है हमारे पास, वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अब ये सारी वैल्यूज हमको गिवन है यहाँ पर, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 4 पाई इंटू 10^-7 अपॉन 2 पाई. आई की वैल्यू हमारे पास 100 एम्पीयर और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मीटर. तो ये हो गया हमारे पास, इससे तो गया 2 टाइम्स, ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू 10^-5
या इसको आप बोल सकते हो 5 × 10⁻⁴ इतना तो आ गया हमारे पास, -6.5 आएगा -6। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो जो करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब पुट करें तो इस पॉइंट पर जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब ये साउथ की तरफ आ रही है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁶ साउथ वार्ड। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है that in using Ampere's law to find magnetic field of a straight long solenoid the loop, तो Ampere loop जो है वो कैसा choose करना होता है अपने को? तो solenoid के केस में generally ये वाला derivation सबका किया हुआ होता है board में, तो अपन जो loop choose करते हैं वो कुछ इस type का करते हैं, इस loop में कुछ portion जो होता है solenoid के अंदर और कुछ portion जो होता है loop का वो solenoid के बाहर, फिर अपन उसमें Ampere's circuitual law integration B.dl is to mu not I put करते हैं, वैल्यू बी की म्यू नोट एन आई अपने पास आती है, पर मुद्दे की बात यहाँ पर एम्पियर सर्किट की है, तो वो जो सर अपन जो लूप चूज कर रहे हैं वो चूज कुछ इस टाइप से करेंगे कि ये इसके ऐसे प्लेन में होगा जो एक्सिस को रखता है, कुछ पोर्शन इनसाइड होगा और कुछ पोर्शन आउटसाइड होगा, तो यदि अपन में यहाँ से करेक्ट आंसर की बात करें तो फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है कि एक रेक्टेंगुलर लूप चूज करते हैं, प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड रखते हैं, लूप जो होता है वो पार्शली इनसाइड होता है और पार्शली आउटसाइड। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें 18 में, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ये हमारे पास एक कोई भी करंट कैरिंग लूप हो गया, तो कोई भी करंट कैरिंग जो लूप होता है बेसिकली वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब एक डाइपोल को जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है, तो डाइपोल पे इधर का सपोज पोल स्ट्रेंथ है प्लस, इसका हो गया माइनस है, ठीक है, तो फोर्स की बात करते तो इस पॉजिटिव पे तो आ गया प्लस का एम बी आगे की तरफ और इस माइनस एम पे आ जाएगा माइनस एम बी पीछे की तरफ, ठीक है, तो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो इस पे ऑलवेज कितना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जीरो। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो होता है वो डाइपोल पे वो आता है हमारे पास एम क्रॉस बी, क्लियर, फोर्स तो ऑलवेज जीरो है। अब टॉर्क कब जीरो होगा, जब एक तो एम और बी के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो, मतलब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, क्लियर, और एक कब जीरो हो सकता है जब ये 180 हो जाए एम और बी के बीच के एंगल, मतलब जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दो ओरिएंटेशन हमको देखने को मिलेगी कि एक तो जब एम और बी सेम डायरेक्शन में हो और एक और एम और बी अपोजिट में हो, इन दोनों ही कंडीशंस में फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है, मतलब दोनों के दोनों क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजिशन है। लेकिन अब इसमें से बात करें स्टेबल कौन सी अनस्टेबल कौन सी है, तो यहां देखो इस अगर इस इक्विलिब्रियम से डाइपोल को हल्का सा डेविएट किया जाए, ठीक है, इधर की तरफ सपोज थीटा डेविएट कर दिया, तो इस पे टॉर्क कितना लग जाएगा, तो इस पे टॉर्क लगेगा डाइपोल मोमेंट तो हो गया इधर मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी, ये इसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास ये बी हो गया अपोजिट में इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अब इसको हल्का सा यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए थीटा पर, तो देखो M और B के बीच का एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, तो अब इस पर टॉर्क क्या लगेगा M क्रॉस B से इसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब करते ही ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाह रहा है, तो ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें दो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है जिसमें से जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं एम और बी वो तो स्टेबल है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला अनस्टेबल हो जाएगा, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 में कह रहा है करंट आई इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर सेप्ड एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पार्ट इज आर एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज वेरी लार्ज, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वी बी। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यदि ये वाली चीज ध्यान में है जैसे करंट एक्चुअली कुछ इधर से आया फिर दो पोर्शंस में डिवाइड हुआ, कुछ इधर गया और कुछ इधर गया, यदि ऐसी सिचुएशन होती है ना बेटा कि करंट इस टाइप से डिवाइड हो रहा हो, तो चाहे एंगल कुछ भी हो व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ एंगल, इस लूप की वजह से केवल इस सर्कुलर पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेंटर पे जीरो होता है। इसके डेरिवेशंस अपन ने क्लासरूम से बिल्कुल किए हुए हैं, तो ये याद रखने वाली चीज भी है, तो इस लूप की वजह से तो हो गया जीरो। अब देखो सेंटर जो है वो इस वाले वायर के ऊपर लाई कर रहा है, वायर के ऊपर लाई कर रहा है, वायर की लाइन ऑफ करंट जिससे फ्लो हो रहा है, इस वायर की वजह से जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बचा वो केवल और केवल इस वाले की वजह से बचा। तो एक ऐसा वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन उसके एक एंड पे पॉइंट है, तो एंड वाले पॉइंट पर वैल्यू होती है म्यू नॉट आई / 4 पाई आर,
देखने में क्वेश्चन कैलकुलेटिव लग रहा है, तीन ऑप्शंस भी बहुत कैलकुलेटिव जैसे ही है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे उसके लिए केवल इस वायर का पोर्शन आएगा, एंड दैट वैल्यू इज मीनो नहीं है 4 पाई आर, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20, बिल्कुल वही आ गया सर, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, भाई स्टेबल अनस्टेबल बताना हमें। तो देखो जब m और b सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्टेबल होगा, जस्ट अपोजिट वाले में अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी तो इधर है, बट इस वायर के लिए अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालूं तो वो किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ, तो ये तो 90 पे हो गया, तो ये तो है नहीं। यहाँ अगर देखें तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो आ जाएगा इसका ऊपर की तरफ, तो ये तो हो गया हमारे पास स्टेबल। यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ पर अगेन ये परपेंडिकुलर हो गए, यहाँ अगर चेक किया जाए तो डाइपोल मूवमेंट इसका नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अनस्टेबल। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं बी स्टेबल है और हमारे पास डी क्या है, अनस्टेबल, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है दैट अ वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैरीज अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज वी, द सेम वायर इज नाउ बेंड इनटू अ डबल ऑफ इक्वल रेडियस, इफ बोथ द लूप्स कैरीज द सेम करंट आई दैट इट इज इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डबल लूप विल बी। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले एक वायर लिया, आर रेडियस का बनाया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरे पास वी नो टाइम डिवाइडेड बाय 2 आर। दूसरे वाले केस में सेम वायर को दो लूप में बना दिए, मान लो अपन एन लूप को बना देते हैं, तो पहली चीज तो अपन ये लिखेंगे कि एल इज इक्वल्स टू एन इनटू में 2 पाई आर, कि टोटल लेंथ जो है लूप की वो n into 2 pi r, n लूप्स है तो l is equals to n into 2 pi r। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है b dash that is n times mu not i divided by 2 r। अब यदि मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करता हूँ, so it is n times mu not i divided by 2 times साथ में l upon 2 pi n, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला डाटा आ गया मेरे पास n स्क्वायर म्यू नोट आई पाई डिवाइडेड बाय l। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यदि सेम वायर का लूप लेते हैं तो नंबर ऑफ लूप्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आपने 2 बनाए तो 4 टाइम्स, 3 बनाए तो 9 टाइम्स, तो इस वाले केस में डबल बनाया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे दैट विल बी 4 4। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो वायर्स विद current 2 ampere and 1 ampere are enclosed in a circular loop and the wire with current 3 ampere is situated outside the loop as shown figure। तो integral BDL की value पूछी है उसने। Basically ampere law को apply करना है हमको, वो भी इस given loop के लिए। तो ampere law क्या बोलता है कि एक given loop में, एक closed loop में जो integral B dot DL होता है वो होता है mu not I enclosed, right? जो उसके अंदर होता है basically current। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हमें केवल अंदर वाले, इस लूप के अंदर वाले वायर से करंट को इंक्लूड करना है, बाहर वाले करंट से कोई मतलब नहीं है। तो देखो इसमें 2 एम्पियर जा रहा है ऊपर की तरफ, 1 एम्पियर नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेट जो इफेक्टिव है वो ऊपर की तरफ 1 एम्पियर जाएगा, तो इंटीग्रल बीडीएल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इनटू 1, बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट। चलिए आगे बात करते हैं 22 के बाद 23, दैट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड डिस्टेंस आर, one of the arc AB of the ring subtends at an angle theta at the center, the values of magnetic induction at the center due to current in the ring is। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार ऐसे डिस्कशन में आया था कि यदि अपन यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिसमें से कुछ करंट इधर डिवाइड हो रहा है और कुछ करंट इधर डिवाइड हो रहा है, अपन ऐसा बोलते हैं कि भाई इधर से आई करंट आ रहा है, इधर से आई करंट वापस लीव कर रहा है, इस वाले केस में ये आर्क यहाँ पर सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर, अब इस एंगल थीटा की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना सेंटर पे वो हमेशा इन टोटल दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो है। जितना ये बनाएगा उसका उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला सेक्शन बनाएगा, तो इट विल बी जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं 24, कि टू इनफिनिट लॉन्ग वायर्स, long parallel wires carry equal current in same direction, the magnetic field at a midpoint in between the two wires, ki ek long infinite wire hai aur dono mein hi hamare paas same direction mein kya hai current flow kar raha hai, to dono ke midpoint pe magnetic field ki baat ki gayi hai, to dekho iski wajah se agar main baat karu to iski wajah se magnetic field aayega yahan andar ki taraf,
क्लियर, डी डिस्टेंस इसको मान लेते हैं, तो इधर से भी डी पर यहां देखें तो इसकी वजह से आएगा ये बाहर की तरफ, बेसिकली दोनों के दोनों अपोज करने वाले हैं, और सिमेट्री से हम बोल सकते हैं सेम करंट जा रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, जस्ट अपोजिट में आएगा। एक वायर की वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, इसकी वजह से भी उतना अपोजिट में आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हमें कितना मिल जाएगा, जीरो। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, 24 की बात 25 में बोला जा रहा है, बट अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट आई इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एस ओ, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर लूप इज। देखो डायग्राम से भी यदि क्लियर नहीं होती है ना ये बात, तो क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली बोला गया है कि उसके एक पार्ट को सर्किल बना दिया गया है, मतलब वायर है उसके एक पार्ट को अपन ने सर्किल बनाया, वापस से वो आगे की तरफ निकल गया। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर ओ पे। देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। लूप की वजह से बात करें तो लूप में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो उसकी वजह से भी आउट, तो दोनों की वजह से समीशन होगा। दो पार्ट अपन बोलते हैं कि एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग सेक्शन है और एक सर्कुलर लूप वाला पोर्शन है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग सेक्शन की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और सर्कुलर पोर्शन की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अपने पास जो डाटा कॉमन लाना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 1 अपॉन एन पाई प्लस 1। अब अपन ऑप्शंस में देखें तो आउटसाइड में पाई भी लिया हुआ है, पाई लेकर सोल्व करोगे ना, दिस वैल्यू विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साथ में पाई प्लस 1, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 अलॉन्ग सॉलिड carrying a current produced a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter half, the new value of magnetic field. तो किसी भी current carrying solenoid के अंदर जो magnetic field होता है वो आता है हमारे पास mu not n I। यहाँ n क्या है? ये number of turns per meter basically। या per unit length बोल सकते हो आप इसको। अब बोला है इसमें क्या किया हमने कि current को तो कर दिया double। Current को तो हमने क्या कर दिया? Double कर दिया। और इस नंबर ऑफ टर्न्स को पर सेंटीमीटर इसको हमने कर दिया है हाफ हाफ, इसको हमने कर दिया हाफ, ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम रह जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है दैट अ लॉन्ग सोलेनोइड वायर कैरिंग करंट ऑफ 30 एम्पीयर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 4×10⁻⁴ टेस्ला। The magnetic field is acting parallel to the direction of current. The magnitude of resultant magnetic induction in Tesla at a point 2 centimeter away from the wire. देखो situation actually कुछ ऐसी है कि ये मेरे पास एक wire है और इस wire में से 30 ampere का current flow हो रहा है और यहाँ से 2 centimeter distance पर मेरे को point पर magnetic field बताना है। External magnetic field जो है वो पहले से यहाँ present है V1 इधर वाली direction में wire में current flow के parallel। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इनवर्ट। इनवर्ट अब यदि वो इनवर्ट है चाहे वो पॉइंट यहां पर हो तो उस पर हो जाएगा आउटवर्ड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ B1² + B2² अब मेरे को B2 मिलता है, क्वेश्चन सोल्व है, B1 की वैल्यू तो 4×10⁻⁴ है। अब यदि मैं B2 की बात करूं तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इनटू में डिस्टेंस डी दैट इज 2×10⁻², सेंटीमीटर मीटर में कर रहे हैं 2×10⁻², ये वाला वैल्यू ये अपने पास है 4π×10⁻⁷ इनटू में 30 डिवाइडेड बाय 4π×10⁻², ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 10⁻⁵, ये जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 3×10⁻⁴ टेस्ला। डाटा बहुत आसान सा है, एक 3 है एक 4 है, रिजल्टेंट विल बी 5, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कॉइल कैरिंग करंट आई हैज रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन, इट इज रिवाउंड सो दैट रेडियस इज नाउ कॉइल इज R/4 एंड कैरिंग करंट आई, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल टू दैट ऑफ ओरिजिनल कॉइल। ये क्या बोला हमारे पास कि पहले एक आर रेडियस की कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है एन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका n i pi r square, बेसिकली एक लूप की वजह से i into pi r square, n टर्न्स की वजह से into n। अब क्या किया है इसको हमने, इसको R/4 इस वायर को हमने लिया फिर से लपेटा और उससे R/4 रेडियस की कॉइल बनाई है,
तो अब रेडियस तो हो गई आर बाई फोर, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन वायर सेम लिया उसी को रिबाउंड करके हमने फिर से नई कॉइल बनाई है, तो हम वायर की जो लेंथ है उसको सेम दोनों में बराबर बता सकते हैं। तो पहले जो लेंथ होगी वो हो जाएगी एन इंटू टू पाई आर, बाद में जो लेंथ है वो हो जाएगी एन डैश इंटू टू पाई आर बाई फोर। तो बेसिकली यहाँ से एन डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर है, मतलब अब जो टर्म्स है ना पहले से हमने फोर टाइम्स ज्यादा ले लिया। तो हम नया नेगेटिव मूवमेंट क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा नए टर्म्स इंटू आई पाई आर स्क्वायर बाई 16। तो ये आ गया हमारे पास एन आई पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो तुम देख सकते हो कि नया जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पहले वाले का क्या रह गया, 1 बाई 4 रह गया। चलिए सर आगे बात करते हैं। 29 में बोला जा रहा है कि दैट अरेंजमेंट ऑफ थ्री पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मिडिल वायर बी इज गिवन बाय, मतलब तीन वायर्स हैं, मिडिल वाले वायर पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ये करते हैं। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए। भाई देखिए इस वाले की वजह से, ए वाले की वजह से यदि मैं बी वाले पर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और सी वाले की वजह से बी वाले पर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। वैल्यू इसकी वजह से भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और इसकी वजह से भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो यदि मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्टेंट आएगा रूट टू टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। सो दिस वैल्यू इज म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई डी। अब इस वायर के लिए देखिए, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल जो है दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो फोर्स जो होता है वो आई एल क्रॉस बी होता है, तो एफ बाई एल बताना है। तो अपन इसमें सीधा सीधा वो साइन थीटा आता है साथ में, थीटा 90 अपन ने बोल रखा है, तो साइन 90 इज 1, तो आई इंटू बी रखना है सीधा सीधा। अब देखिए बी की वैल्यू तो यहां से सोल्व करने पर आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई डी आ रही है, और उसको आपको करंट से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस वैल्यू कम्स एज म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई डी। सो इस वाले के अकॉर्डिंग अपना फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए सर नेक्स्ट की बात करें 30 में कि अ पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 केजी कैरी अ चार्ज ऑफ 500 टू द पावर माइनस 8 कूलम। द पार्टिकल इज गिवन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड इन दिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पॉसिबल कंडीशन पूछी है कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से, अब सेम डायरेक्शन में वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहे, मतलब वो बेसिकली डिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए कौन सी जो कंडीशन है वो यहां पर पॉसिबल है। अब देखो सेम वेलोसिटी से उसे मूव करते हुए वेलोसिटी की बाउंडेशन नहीं है, केवल डायरेक्शन की बाउंडेशन है। तो उससे सेम डायरेक्शन में अगर मूव करा के रखना है तो उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होगा देखते हैं। तो फर्स्ट बोला है बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि इधर अगर वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इधर ले लिया जाए, एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ई को हमने इधर ले लिया। तो देखो चार्ज पर ई तो है वो तो इधर फोर्स लगा देगा एफ, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हम देखें तो वी क्रॉस बी ये इधर फोर्स आ जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ इस पे वेलोसिटी से किसी एंगल पर मिलेगा हमें, तो वो इसको वेलोसिटी से डिवाइड करा देगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। सेकंड चेक करते हैं बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी है इधर ही बी और इधर ही हमने क्या ले लिया ई। तो यहां देखो तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स होता है चार्ट पे क्यू वी क्रॉस बी, अब ये दोनों पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लगेगा नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, और ये इसको आगे की तरफ एक्सलेट या डीएक्सलेट करा देगा। ये चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव होते क्या करा देगा, इसको एक्सलेट करा देगा, ठीक है, बट डायरेक्शन उसकी वही सेम रहेगी, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल कंडीशन है। बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम ये इधर बी हम ले लें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तीनों के तीनों हमारे पास म्यूचुअली क्या हो जाए परपेंडिकुलर, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस टाइप से डायरेक्शन अपन चूज कर लेंगे चार्ज पार्टिकल के बेसिस पर। जैसे वी क्रॉस बी की आप बात करोगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की तरफ ले ले तो देखो वी क्रॉस वी और क्यू ई जो है वो बैलेंस हो सकता है यहाँ पर इस केस में, तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे। ये जो कंसेप्ट है ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट होता है, अपन लॉरेंट्ज़ फोर्स में इसको पढ़ते भी कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी उसकी वैल्यू को जीरो इक्वल पुट करते हैं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, मतलब वो उसके एंटी पैरेलल होना चाहिए, पर बेसिक कंसेप्ट ये है कि तीनों यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इट मे बी माइट बी पॉसिबल कि वो अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस करें।
B should be along the direction of velocity and E should be perpendicular to the direction of. देखो अब velocity की direction में अगर हम B ले ले तो magnetic force तो हो जाएगा zero, but electric field अगर perpendicular हुआ तो ये इसको debit करा देगा, तो यहाँ पर भी same direction नहीं रहेगी. तो जो answer वो हमारे पास 2 और 3 में हो सकते हैं, मतलब third जो है option वो correct हो जाएगा. चलिए next question की बात करते हैं, question number 31 कि the two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a uniform magnetic field and describe circular paths of radii r1 and r2 respectively. X और y के masses का ratio बताना है कि भाई दो charge particles हैं, same charges के हैं और same potential difference से accelerated है. तो अपन इस वाले केस में बोलते हैं कि kinetic energy जो होती है वो q delta v होती है. Charge same, delta v same, तो kinetic energy भी same. फिर वो कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए जहां उनकी रेडियस जो है वो R1 और R2 है, तो X और Y के मासेस का रेशियो अपने को बतलाना है. देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है एक तो होता है P अपॉन QB, एक होता है MV अपॉन QB, अलग अलग तरीके से देखते हैं अपन कि कहां पे क्या यूज आना है. और P जो है उसको अपन अंडर रूट 2MK भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2MK अपॉन QB. इसमें मैंने K इक्वल्स टू P स्क्वायर बाय 2M वाला फॉर्मूला यूज किया है. सो रेडियस जो है वो अपने पास देखो चार्ज सेम है, बी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब पाथ की रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एम मास. तो मैं कहूं आर वन अपॉन आर टू दैट वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ एम एक्स अपॉन एम वाई. मेरे को एक्स और वाई के मासेस का रेशियो चाहिए, दैट वैल्यू विल बी आर वन बाई आर टू का होल होल स्क्वायर. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर अगले बड़ा क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन बोला है कि एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा आदि को त्वरित करने में प्रयुक्त हुआ है, यदि त्वरित होने के बाद प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा ई है तो अल्फा कण के द्वारा प्राप्त ऊर्जा हमें यहाँ पर बतानी है. ये सबको ये एक हमारे पास कोई साइक्लोट्रॉन का अरेंजमेंट है जिसमें यहाँ से हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करा के बाहर निकाल रहे हैं, तो ये उसके लिए रेडियस आर, ठीक है. और आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एम वी वाई क्यू वी, या इसी को हम लिख सकते हैं रूट टू एम ई बाई क्यू. अब इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए जो हमें क्या करना है एनर्जी की कंपेरिजन करनी है, ठीक है. अब देखो साइक्लोट्रॉन का सेटअप सेम है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया, ठीक है, साथ में रेडियस भी उसकी सेम हो गई, तो यहां पर आर और बी तो हो गया सेम. तो यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा इसको रियल कर लेता हूं, हो गया आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू टू एम ई. तो एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू एम. अब बी सेम है आर सेम है तो एनर्जी जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है क्यू स्क्वायर बाई एम के, ठीक है. अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए अगर हम बात करें तो देखो प्रोटॉन के लिए चार्ज जो है वो e हो जाएगा, तो e स्क्वायर बाई एम पी ये फ्रैक्शन बनेगा. जब हम अल्फा पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो वहां पर चार्ज अल्फा पार्टिकल होता है डबल आयन, ठीक है, Hg2+ तो वहां पर चार्ज हो जाएगा 2e, तो ये हो जाएगा 4e स्क्वायर अपॉन मास जो है उसका वो होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स मास, तो नीचे भी यहां पर 4mb बन जाएगा. तो तुम अगर ध्यान से देखो तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सेम वही फैक्टर बन गया जो हमारे पास प्रोटॉन में बना था, तो एनर्जी भी सेम आएगी हमारे पास, यही हो जाएगी. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 कि दैट अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड मे बी. मतलब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसको इधर अपन ने भेजा और इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है उत्तर की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर के डायरेक्शन में. तो अपन वही वाली बात कर लेते हैं कि भाई चार्ज इधर ईस्ट वाली डायरेक्शन है, इधर ईस्ट वाली डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन इधर होना चाहिए. मान लो यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, अपने को बस इतना ही करना है कि पॉजिटिव की जो डायरेक्शन आती है उसको जस्ट अपोजिट करना. आपका पार्टिकल इधर गया, डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, मतलब ये तो है फोर्स. देखो अब क्या करते हैं, वी क्रॉस बी इज इक्वल टू एफ पुट करते हैं. अपन ने इधर वेलोसिटी, यदि मैग्नेटिक फील्ड इधर, यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो चार्ज पार्टिकल इधर वाली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता. हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अपना आ रहा है राइट हैंड से उसके अपोजिट में होना चाहिए. तो हमारा आ रहा है कौन सी वाली डायरेक्शन में, देखिए ये ई, ये बी, ये एफ, तो हमारा आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो होना किधर चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. तो अपन बोलेंगे इस वाले केस में थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर.
चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। 34 में 34 बोला है कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा युक्त एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र 2.5 टेस्ला के लंबवत गति कर रहा है, तो प्रोटॉन पे आरोपित बल बताना। तो देखो लंबवत अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखें तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पर ये लंबवत है तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू बी वी साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो फोर्स कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है हमारे पास ए के इक्वल, अब ये बी है हमारे पास स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड भी हमें दे रखा है। अब देखो जब इसको एनर्जी हमें दे रखी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट 2 के बाई एम, तो यहां पुट कर दो तो फोर्स आ गया ई रूट 2 के बाई एम। अब वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बाई 2, के की वैल्यू हमें दे रखी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इंटू मेगा है तो 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन जो कि होता है 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। इसको अप्रोक्स में 1.6 ले लेता हूं, ठीक है, इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2.5। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये 1.6 से तो 1.6 गया, ये हो जाएगा हमारे पास बाहर, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 2 5 इंटू 1.6 तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, और पावर्स में ये हो गया हमारे पास 27 और ये 6 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 8 14 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्थ आंसर हमारे पास करेक्ट तरह से है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है दैट अ प्रोटॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 रेस टू द पावर माइनस 4 वेब पर मीटर स्क्वायर नॉर्मली, स्पेसिफिक चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज 10 रेस टू द पावर 11 कूलम पर केजी एंड इट्स वेलोसिटी इज दिस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड, की रेडियस पूछी जा रही है अपने से। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, R is equals to md upon qb होता है और डाटा अपने को सारे के सारा गिवन है ना, q by b की वैल्यू आपको बता रखी है that value is 10 raised to the power 11, फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है that is 10 raised to the power minus 4 और वेलोसिटी जो गिवन है 10 to the power that is 10 raised to the power 9, तो यहां से यदि अपन बात करें देखो ये 11 ये अपने पास 9 तो 10 की पावर 2 नीचे बचा, ये 10 की पावर 2 माइनस 4 तो माइनस 2 नीचे बचा, तो ऊपर जाकर दिस वैल्यू विल बी 10 raised to the power 2 मीटर, तो यहां से यदि अपन बात करें तो 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को कि क्षेत्र में पाइनल का क्या अक्षय में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण पर किया जाता है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द एक्सिस ही आ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए पैदल हो गए, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, फोर्स नहीं आएगा तो कोई वर्क नहीं आएगा। और वैसे भी यदि चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन होता है वैसे भी जीरो होता है। वैसे सिंपल से वे में दिया इसमें तो फोर्स भी इवन जीरो होगा, लेकिन यदि आपको ये किसी एंगल में भी एंटर करवा देता तो उस वाली सिचुएशन में भी वर्क डन जो होता वो जीरो ही आता। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं। 37 में बोला जा रहा है दैट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू, कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है तो सर्किल में करंट फ्लो करेगा, मतलब कुछ इक्विवेलेंट करंट सर्किट अपन बना सकते हैं। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज का एफ फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व करता है तो करंट की वैल्यू जो है वो क्यू एफ होती है। अच्छा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपने पास होती है वी अपॉन 2 पाई। यदि चार्ज पार्टिकल आर रेडियस के सर्किल में वी स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई आर अपॉन वी, तो यहां से अपने पास करंट की वैल्यू जो आ गई दैट इज qv अपॉन 2 पाई। अब यहां से यदि मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट i अपॉन 2r, तो i के प्लेस पर जैसे ही अपन ने qv अपॉन 2 पाई r पुट किया, देखिए यहां से अपन बोल सकते हैं कि साहब b जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है v डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के, मतलब देखिए पर्टिकुलरली उस चार्ज पार्टिकल के लिए q तो है फिक्स, स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड वेरी कर रही है तो
तो रेडियस जो है वो अपन बोल सकते हैं कि रेडियस का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वी बाई बी के। अपने से रिलेशन पूछा गया है आर्क की प्रोपोर्शनलिटी की वी और बी के साथ क्या होगी, तो यहां से अपन बोल सकते हैं सर कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट ऑफ वी बाई बी बी के। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं 37 के बाद 38। संचालित चुंबक क्षेत्र को एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किया जाता है तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन रिमेंस स्टेशनरी, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट स्पिनिंग। ठीक है, कि एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हमने अप्लाई किया है स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कभी भी किसी भी रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। एक रेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या कोई और फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कभी भी एक रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता। अब ये बोल रहा है कि भाई ऑप्शन देखो, द एलिमेंट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मूव ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, नहीं मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिमेंस स्टेशनरी, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर in a region of uniform magnetic field in a plane perpendicular to the field if their masses are denoted by me and mp respectively within the ratio of their radii। ki matlab ek electron hai aur ek proton hai, energy dono ki same hai, ek magnetic field mein enter karte hain, unke circle ki kuch radius hai aur us radius ka unke masses ke sath relation banana hai। humne kaha dekho bahut simple sa tarika hai, radius wala formula likh lete hain। ek to mv upon qb hota hai, एक अंडर रूट 2mk अपॉन qb होता है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए ही चार्ज तो सेम, चार्ज जो है वो सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं तो b सेम है और क्वेश्चन में इन्फॉर्म्ड है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि साहब रेडियस जो है वो अंडर रूट ऑफ m के प्रोपोर्शनल है। तो यदि मैं उनकी रेडियस की बात करता हूं और रेशियो अपने से बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन बात करनी है, तो यदि अपन RE upon RP की बात करेंगे, then that will be under root of ME upon MP। So second one is the correct answer। चलिए 40 की बात करें। ये प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी हमको सेम बोली है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B भी सेम बोल दिया है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वृत्तीय त्रिज्या RP और RE में कमेंट करना है। तो देखो R जो है वो हो जाएगा हमारे पास MB / QB या रूट 2m k by qb। ठीक है, अब देखो b तो हो गया सेम, k भी सेम है, तो रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल आ गई हमारे पास रूट m by qk। क्लियर, तो यहां से अपन rp upon rd की वैल्यू अगर लिखें तो ये आएगी अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन और चार्ज उस पर भी कितना होता है एक प्रोटॉन का चार्ज, तो ये रेशो आ गया हमारे पास 1/√2। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं आरडी की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट टू आर पी है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि द थ्री आइडेंटिकल लॉन्ग सोलेनोइड्स पी क्यू एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर शोन इन द फिगर इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्यू इज 2t। तो पी के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन सोलेनोइड क्योंकि सेंटर पे 2 टेस्ला है। देखो यदि यहां से करंट 2i एंटर हो रही है ना, तो यहां से करंट जाएगी i और यहां से करंट जाएगी i, क्योंकि आइडेंटिकल हमारे को सोलेनोइड बोली, आइडेंटिकल बोली गई। तो इधर करंट i है, इधर करंट i है, तो i करंट के केस में मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला है। तो सिंपल सी बात की 2i करंट के केस में तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के सेंटर पे अपन म्यू नॉट ni से सीधा सीधा डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स सेम, करंट जो है जस्ट डबल हो गई, पी में करंट डबल हुई तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी डबल हो जाएगा, तो 2 टेस्ला का डबल दैट इज 4 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं 42 में बोले तो देखो 42 में बोला है कि जब किसी कमरे में एक प्रोटॉन को ब्राउन अवस्था से मुक्त किया जाता है तो यह प्रारंभ त्वरण एनोड से पश्चिम की ओर गति करता है। तो एक तो मैं डायरेक्शन मान लेता हूं कि ये हमारे पास ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ वेस्ट, ये हमारे पास वेस्ट और ये साउथ। कि जब इसको यहाँ पर रास्ता से मुक्त किया तो इस पे a नॉट एक्सीलरेशन आया है पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की तरफ इसको एक्सीलरेशन आया a नॉट। अब देखो रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाने से रहा, तो डेफिनेटली इधर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की बात की है, तो इस पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा पश्चिम की तरफ जिसने इस पर फोर्स लगाया होगा।
तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा QE इक्वल टू एम ए नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू आ गई हमारे पास एम ए नॉट बाई ई। ये रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी किधर, पश्चिम की तरफ। अब देखो जरा ऐसा ऑप्शन, तो ये हमारे पास एम ए नॉट पश्चिम की तरफ, ये टू और थ्री दोनों में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अब क्या बोला है कि जब इस पार्टिकल को, इस प्रोटोन को हमने उत्तर की तरफ वी नॉट वेग से प्रक्षेपित कर दिया, तो इस पर 3a नॉट एक्सीलरेशन मिला हमको, वो भी किधर, पश्चिम की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी पश्चिम की तरफ है जिसकी वजह से इसको a नॉट एक्सीलरेशन मिला था, क्लियर। और अब इधर ही 3a नॉट और हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी हमें किधर लेके आना है, पश्चिम की तरफ लाना है। तो पॉजिटिव चार्ज पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पश्चिम की तरफ लाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो सकता है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन पश्चिम की तरफ लाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन होगा हमारे पास, क्लियर, इनसाइड द प्लेन। अब ये हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो हमने चारों डायरेक्शन मानी है वो बोर्ड के प्लेन में मानी है, तो अंदर की डायरेक्शन हो जाएगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये बाहर की डायरेक्शन हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होना चाहिए, कितना होना चाहिए देखो, तो मैं मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो फोर्स लगेगा उसका बी क्रॉस बी पश्चिम की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से तो फोर्स आ गया क्यू बी, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना था क्यू ई, और ये जो है हमें नेट एक्सलेशन दे रहा है 3a नॉट, तो ये आ गया हमारे पास 3m a, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं इसकी, तो क्यू वी बी प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास m a नॉट बाई की इक्वल टू 3m a नॉट, ठीक है। तो यहां से देखो ई वी नॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2m a नॉट, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2m a नॉट बाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया m a नॉट बाई ई पश्चिम की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो आया 2m a नॉट बाई ई ऊर्ध्वाधर ई वी नॉट नीचे की तरफ, क्लियर। तो इसमें डाउन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए किया जाता है, इसमें डी की त्रिज्या आर और एफ आवर्ती का एक प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन में प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न प्रोटॉन किरण पुंज की गतिज ऊर्जा। देखिए साइक्लोट्रॉन में अपने को ये पता है कि चार्ज पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी और जो अपन प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र लगाते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होती है। यदि मैं फ्रिक्वेंसी की बात करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आना सर, तो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास V upon 2 pi R होता है ना, यदि आप R की वैल्यू पुट करेंगे ना तो इट इज MV upon QB into में V, so this value is QB upon 2 pi R। अब फील्ड की फ्रीक्वेंसी E दी गई है, तो चार्ज पार्टिकल की भी रिवॉल्यूशन की F दी गई, तो F ही होगी। हम यदि यहां से मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 2 pi MF डिवाइडेड बाई Q अपने पास आ गया। पहला वाला जो पार्ट आ रहा है उसका जो आंसर अपने पास आया वो थर्ड वाला आ गया, मतलब थर्ड वाले के अकॉर्डिंग और सेकंड वाले के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आ रहे हैं। दूसरा फिर ये कहा गया कि जो प्रोटॉन किरण पुंज है उसकी गतिज ऊर्जा यदि k है, तो देखो गतिज ऊर्जा के साथ यदि मैं बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र का गतिज ऊर्जा के साथ संबंध जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, रेडियस r इक्वल्स टू k अपॉन q। डीज की रेडियस अपने को आर दी गई है, तो जब साइक्लोट्रॉन से चार्ज पार्टिकल एग्जिट करता तो उसकी रेडियस डीज की रेडियस के इक्वल होता है। तो मैं यदि यहां से काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m साथ में बी स्क्वायर आती है ना। अब देखो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर के इक्वल है, तो कैंसिल आउट क्या क्या हुआ, देखो क्यू स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया और एक चार्ज मास जो है वो कैंसिल आउट हो गया एम, तो यहां से जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर आर स्क्वायर। ये जो प्रोटॉन पुंज निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड में देखें तो सेकंड वाला जो आंसर है वो अपना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी थर्ड वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 44 में बात करें, तो बोला है कि एक धारावाही लूप हमें दे रखा है PQRS और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पे F1 F2 F3 फोर्स दिखा रखे हैं और QP पोर्शन पे हमें फोर्स पूछा है।
तो जब भी एक करंट कैरिंग लूप को हम एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना आता है? जीरो आता है। मतलब इस लूप पर कंप्लीट फोर्स जो है नेट फोर्स वो जीरो होगा। ठीक, तो इस पर फोर्स हमें पूछा है। तो पहले मैं इन तीनों पोर्शन का नेट निकाल लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं एफ थ्री ज्यादा है तो एफ थ्री और एफ वन का तो रिजल्टेंट इधर आ गया एफ थ्री माइनस एफ वन, एफ टू नीचे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा हमारे पास F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर का रूट। क्लियर? मतलब इन तीनों पोर्शन पर नेट फोर्स जो है वो हमारे पास लग रहा है नीचे की तरफ इतनी वैल्यू का, तो उस हमारे पास ऊपर वाले पोर्शन पर इतना ही फोर्स लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी नेट फोर्स जो है वो कैंसिल हो पाएगा, जीरो आ पाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास कि ऊपर वाले पोर्शन पर जो इस PQ पोर्शन पर जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा हमारे पास, तो F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 कि एक स्ट्रेट वायर है इसमें से I करंट फ्लो हो रही है, एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में उसको अपन ने बेंड किया है। M इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द लूप, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, वायर की लेंथ पूछी है। देखिए बहुत सिंपल सा केस है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो I * पाई r स्क्वायर होती है। आपने r रेडियस की सर्किल में यदि उसको फोल्ड किया है तो अपन ये कह सकते हैं कि साहब l is equals to 2 pi r, तो रेडियस की जो वैल्यू होगी that will be l upon 2 pi। तो यदि मैं यहां से सोल्व करता हूं तो m is equals to i pi l square divided by 4 pi square। अब ये एक pi तो सही हो गया, लेंथ l की वैल्यू जो अपने पास आ रही है that is under root 4 pi m divided by i। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 46। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर लटकी चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए रूट 3 जूल हमें कार्य करना पड़ रहा है, तो इसी स्थिति में रखने के लिए कितना हमें बलाबल चाहिए? तो बोला है सबसे पहले तो ये कि चुंबकीय क्षेत्र में सुई जो है वो लटकी हुई है तो अपनी वो स्थायी साम्यावस्था में होगी, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो चुंबकीय सुई भी इसी के अंदर होगी। अब यहां से इनिशियल, यहां से हमने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया, उसका वर्क गिवन कर रखा। तो देखो थीटा वन से अगर मान लो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड से डाइपोल मोमेंट का एंगल थीटा वन है और उससे थीटा टू तक इसको घुमाना है, तो किया गया जो कार्य आता है वो होता है हमारे पास एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। अब यह दे रखा है कि जीरो से 60 घुमाना है और ये वर्क है रूट थ्री, तो एम बी कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस 60 की हो जाएगी हमारे पास हाफ, तो यहां से एक तो हमें MB की वैल्यू मिल गई 2√3। अब आगे क्या पूछा है कि इस स्थिति में इसको रखने के लिए कितना बलाबुन चाहिए, तो टॉर्क की वैल्यू होती है M क्रॉस B या MB साइन थीटा। तो यहां से MB की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 2√3 और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, थर्ड सेकंड ऑप्शन इज सेकंड इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि एक कॉइल है और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, लेंथ L इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सच दैट B इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, इफ ड्यू टू करंट I इन द ट्रायंगल इट टॉर्क टॉ X ऑन इट द साइड लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब ये कॉइल है और इसके ऊपर टॉ टॉर्क लग रहा है, इसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इस वाले मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो उसके इसी के प्लेन में। अब देखो यदि मैं एम की बात करूं तो एम आउट ऑफ द प्लेन आएगा चाहे इनटू द प्लेन आ जाए, दोनों के बीच एंगल 90 का हुआ है, तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो मेरे पास एम बी है और एम बी जो है वो आई इंटू एरिया होता है, और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 एल स्क्वायर। तो यदि यहां से मैं साइड लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं दैट इज 4 डिवाइडेड बाई √3IBB और इसका स्क्वायर, तो लेंथ L की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट विल बी 2 √3IB और इसकी पावर अपने पास आ गई 1/2। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 48। किसी चल कुंडली धारा मापी में विक्षेप थीटा पे धारा I में क्या संबंध होता है? तो चल कुंडली धारा मापी काम कैसे करता है, देखो कि ये हमारे पास मैग्नेट्स नॉर्थ साउथ, ठीक है, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे होगा,
बिल्कुल, ये जो मैग्नेट्स लिए जाते हैं ये फोर्स शू मैग्नेट मतलब उस स्ट्रक्चर के होते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो रहे वो बिल्कुल रेडियल रहे, रेडियल रहे। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक आर्मेचर जिस पे ये कॉइल लगा, बेसिकली यहाँ पर ये कॉइल इस तरह की होगी, ये सब कुछ ये सिलेंडर है और इस पर हमने ये वायर्स जो है यूं रैप किए हुए, ठीक है। अब यहां से एक निडल को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है और ये होती है यहां पर इसके, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज क्या है, रेडियल, और जैसे ही इस लूप में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट आएगा इधर की तरफ आई इन टू एरिया, तो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे यहां पर। तो इस लूप पर जब अगर टॉर्क देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो वो हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा या साइन 90 जो कि बन हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास ये आ गई एम, को लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स आई इंटू एरिया बी, इतना जो टॉर्क है वो हमें यहां देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो हमारे पास लूप है इसको ऐसे नहीं कि बस हवा में रख दिया, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक वायर से, ठीक है। और जब ये जैसे ही रोटेट होगी तो उस वायर में क्या है, ट्विस्ट होने की वजह से एक उसको अपोज करने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो ये जो टॉर्क है हम इसको लिख सकते हैं सी थीटा, जहां पर सी जो है क्या है हमारे पास टॉर्सनल कांस्टेंट है उस वायर का, क्लियर। तो तुम यहां साफ साफ देख सकते हो कि आई की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल दिख रही है हमें थीटा के, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो आई होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थीटा के। रिलेशन अगर हम उसके लिए देखें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए तो वो आता है हमारे पास आई प्रोपोर्शनल टेन थीटा के प्रोपोर्शनल आता है। तो यहाँ तो थीटा है तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक लूप एक्स वाई तल में है जिसमें से धारा आई बह रही है, इकाई सदिश के क्या पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया। देखिए इसमें से करंट कुछ इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है, यदि करंट इस वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो अपन राइट हैंड रूल से बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के कैप में, तो प्लस के कैप वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब होता कितना, बोला आई इंटू एरिया। अब एरिया की बात करें ना, देखो ये एक सर्किल, ये एक सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल और ये एक सेमी सर्किल, चार सेमी सर्किल है और एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है ए, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। सेमी सर्किल की बात करें तो 4 × 5 r² / 2। अब रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस जो है वो a by 2 है, डायमीटर a है तो रेडियस a by 2। तो यहां से वैल्यू जो मेरे पास आ रही है a स्क्वायर प्लस में पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये एरिया मल्टीप्लाइड विद द करंट और साथ में प्लस k कैप अपन ने जैसे ही लगाया तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखें कि एक लंबी सीधी खोखली चालक ट्यूब है जिसमें करंट i फ्लो हो रही है। देखो इस ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है बट करंट जो है वो i फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से 1, 2 और 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई। तो हम क्या करते हैं इस पे, यहां से देखो एक्सेस से r डिस्टेंस पे जाके r रेडियस का एक एम्पियर लूप अज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पर भी सबकी डिस्टेंस सेम है इससे तो सबके लिए r रेडियस का एम्पियर लूप बन जाएगा। तो एम्पियर लॉ लगाए तो बोलेंगे BdL इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, और आई एन हो जाएगा इस लूप के अंदर जो कि इस ट्यूब में जा रहा है। तो देखो तीनों के तीनों पॉइंट्स पर जब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो सभी जगह पर अगर हम देखें तो म्यू नॉट इनटू आई, तो इसको लिख सकते हैं बी इनटू 2 πr म्यू नॉट आई, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr। अब तीनों ही पॉइंट्स के लिए एम्पियर लॉ लगाते समय आर सेम रहा आई सेम रहा तो बी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब B1, B2 और B3 सेम हो जाएगा। मतलब अपन बोल ऐसा बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए ये जो सेक्शन है ये स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव करेगा और तीनों पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में कह रहा है द थ्री लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर क्यू। मतलब ये वाला जो वायर क्यू है ना इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ पे मेरे को एक्सपीरियंस्ड फोर्स कैलकुलेट करके बतलाना है। तो वैसे देखें यदि देखो इन दोनों की बात करें ना तो इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो इधर लगेगा, और इन दोनों की बात करें तो इनके बीच भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, भी करंट यदि सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्टर और अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिबल। तो इस वाले फोर्स की यदि मैं बात करूं तो इसकी वजह से यहां पर इस वाले पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं सर, तीन वायर्स
इस वाले वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट इनटू में आई वन डिवाइडेड बाई टू पाई डी वन होगा, और इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ पर फोर्स पूछा गया है, तो दैट वैल्यू विल बी म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी वन इनटू में लेंथ को स्मॉल एल कह दो। तो ये तो फोर्स हो गया इसकी वजह से इस पर, अब इसकी वजह से इस पर बात करेंगे तो वो इधर लगेगा, तो मतलब वो माइनस में आएगा, दैट इज म्यू नॉट आई वन। लेट सपोज अपन ने ये सेपरेशन डी वन माना है और ये सेपरेशन डी टू, तो इट इज म्यू नॉट आई टू आई थ्री इनटू में एल डिवाइडेड बाय द सेपरेशन टू बाई डी टू। अपने को यहां से नेट फोर्स की यदि मैं बात करूं तो म्यू नॉट आई टू इंटू एल डिवाइडेड बाई टू पाई तो कॉमन आ गया, और ये वाला जो डाटा है दिस इज आई वन बाई डी वन माइनस आई टू बाई डी टू। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो म्यू नॉट की तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई टू पाई, लेंथ 10 सेंटीमीटर बोली है तो 1 बाई 10 इंटू में बीच वाले वायर में करंट है 10 इंटू में इधर आई वन अपने पास है 20, सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, तो 20 बाई 2 माइनस में 30 बाई 10। नेक्स्ट पेज पे चलो सर, 30 बाई 10 और इन दोनों में से 10 की पावर माइनस 2 कॉमन है तो उसको ऊपर ले जाके प्लस 100 में अपन रख सकते हैं। सोल्व करें, देखिए 2 पाई ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, सो इट इज 2 इनटू ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर माइनस 7, दिस वैल्यू इज 20 बाई 2 दैट इज 10 माइनस में 30 बाई 10 दैट इज 3 इनटू में अपने पास आ गया 100, सो इट इज 7 7 into 2 that is 14 into में 10 की पर minus 5 उसको अपन लिखना चाहे तो 1.5 into में 10 की पर minus 4 न्यूटन अपन लिख सकते हैं, और net force obviously plus में आ रहा है तो अपने right वाले को plus में लिया है, left वाले को minus में लिया है, तो right वाले direction में force लगेगा, so first one is the right answer। चलिए अगले question की बात करें, 52 कुछ ऐसा ही force वाला question है, बोला कि कोई वर्गाकार लूप ABCD हमें दी है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, किसी लंबे सीधे चालक तार XY जिसमें धारा कैपिटल I फ्लो हो रही है के निकट एक ही तल में रखा हुआ है, तो इस पास पे लगने वाला नेट फोर्स हमसे पूछा है। ठीक, तो देखो ये हमारे पास लॉन्ग वायर, ये करंट कैरिंग लूप I जिसके लिए साइड दे रखी है L और ये डिस्टेंस है LY। ठीक है, अब इस वायर की वैसे अगर बात करें तो इस इधर के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन होगा और वो पोजीशन के साथ वेरी करेगा। तो जस्ट इस वायर के लिए देखिए, यहां तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर B1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई वायर से डिस्टेंस LY। क्लियर, यहां अगर हम देखें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, यह आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई 3LY। क्लियर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा F1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी B1 इसमें से पास होने वाला करंट I और ये वायर की लेंथ L। ठीक है, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो लग जाएगा, करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पे लग जाएगा दूर की तरफ F2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी B2 I। अब देखो B1 जो है वो ज्यादा है क्योंकि इसके पास है, सेपरेशन कम है नीचे तो ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स हमें इधर देखने को मिलेगा। अब इनकी बात क्यों नहीं की मैंने, तो देखो दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं, इस पे अगर हम देखें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये एलिमेंट देखो यहां से एक्स डिस्टेंस पर, सिमिलरली नीचे एक्स डिस्टेंस पर इस एलिमेंट पर अगर मैं देखूं तो छोटा सा DF फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और उतना ही DF सेम नीचे एलिमेंट पर लगेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पूरे के पूरे एल लेंथ पे जितना फोर्स ऊपर लगेगा ना उतना ही इसमें नीचे देखने को मिलेगा, तो इन दोनों का नेट फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो पूरे के पूरे लूप पर जो फोर्स आने वाला है वो इन दोनों की वजह से आने वाला है। तो नेट फोर्स लेफ्ट वार्ड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास F1 माइनस F2 या बोल दो इसे IL C2 B1 माइनस B2 IL B1 माइनस B2, तो ये आ जाएगा नेट फोर्स लेफ्ट वार्ड, तो ये आ गया आई एल बी वन की वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल और बी टू की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन पाई 3L। ठीक है, तो नेट फोर्स आ गया हमारे पास
म्यू नॉट आई आई अपॉन पाई टू बाई थ्री। यदि अपन यहां से करेक्ट आंसर की बात करते हैं सर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट आंसर। चलिए सर 52 के बाद नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 कि दैट इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग, कि यदि किसी स्प्रिंग से अपन करंट क्रॉस करवाते हैं, देखो यदि स्प्रिंग से करंट क्रॉस होगा तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके जो पास वाले ये दोनों वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में, जैसे इस वाले की अपन बात कर, नीचे वाला प्लेन है, सारे वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और यदि दो वायर्स जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में फोर्स फ्लो कर रहा है तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो नेचर में अट्रैक्शन का होता है। तो अट्रैक्शन का होगा तो ये वाला इसकी तरफ, ये वाला इसकी तरफ, तो कंप्लीटली स्प्रिंग जो है वो कंप्रेशन वाला स्टेट जो है वो गेन कर लेगी। तो इस वाले केस में अपन फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर देंगे इसका, कि स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट होगा क्योंकि वायर्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इसलिए यहीं पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर उसमें हम एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करें तो क्या कहानी होगी। ठीक है सर, कि अगर इसी में अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेंगे तो देखो आई जो है वो वेरी करेगा कंटिन्यूअसली, आई अगर वेरी करेगा तो उन वायर्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी कंटिन्यूअसली वेरी करता रहेगा, तो अब जो स्प्रिंग है वो हमारे पास ऑसिलेशन करने लग जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, लाइक एक फाइनल का जिसमें 2000 फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं 2000, साथ में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 1.5 into 10 to the power minus 4 और इसमें करंट दे रखी है हमें 2 एम्पियर। क्लियर, इसकी लंबाई के लंबवत इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया है कि यह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज समतल में घूम सके। कि सपोज ये हमारे पास सोलेनोइड था, इसको लंबाई के लंबवत यहां हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 5×10^-2 टेस्ला को यह है, पैनालिका एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाता है, पैनालिका पे बलागुण ज्ञात करना। कि क्या किया हमने कि ये जो सोलेनोइड है इसका इधर एक्सिस, क्लियर, इसके एक्सिस से कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसका एंगल हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो इस पे हमें क्या पूछा है, नेट टॉर्क पूछा है। तो देखो इस सोलेनोइड की अगर बात करूं तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट सपोज आ गया इधर m, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एक लूप के लिए i इनटू एरिया, तो n लूप्स के लिए ni हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये हो गया बीच में थीटा, तो टॉर्क हम इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं m क्रॉस b से, तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास m क्रॉस b मतलब m b sin थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी n i a b sin थीटा। अब वैल्यू रख देते हैं, देखो नंबर ऑफ टर्न्स 2000, करंट है 2 एम्पियर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दी है 5×10^-2 एरिया, ठीक है, एरिया है हमारे पास 1.5×10^-4 और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो गया 1/3, ये तो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.55, ये हो गया 2×5×1.5×-6×10^-3, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15×10^-3 न्यूटन मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 1.5×10^-2 न्यूटन मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है द टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी कैरीज करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, दे एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं। नाउ द करंट इन वन ऑफ द देम इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, करंट डबल कर दी डायरेक्शन भी डबल कर दी, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो आंसर में अपने पास माइनस साइन इसीलिए गिवन है। फिर वो बोला डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दी, तो देखो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम। यदि आपने एक की करंट डबल की तो फोर्स डबल, और सेपरेशन 3 टाइम्स किया तो 1/3, मतलब जो नया फोर्स होगा दैट विल बी, मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो इनिशियल फोर्स का 2/3 टाइम्स होगा, बट अपने को डायरेक्शन की भी बात करनी है साथ में,
इसलिए अपन ने माइनस का साइन इसमें इंक्लूड कर लिया। तो यहां से यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 56। बोला निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक स्थिर आवेश पर बल आरोपित नहीं कर सकता। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास एक रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी लगा सकता है मास की वजह से, ये नहीं लगा पाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 57 में बोला है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या कम करना चाहिए। देखिए सुग्राहिता सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मतलब कितना डिफ्लेक्शन प्रॉपर डिफ्लेक्शन स्मॉल वेरिएशन से आ रहा है। जैसे मैं ये कहूं कि दो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, दो चल कुंडली धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक में करंट फ्लो किया 2 एम्पियर से 3 एम्पियर और डिफ्लेक्शन गया 7 डिग्री टू 8 डिग्री, और दूसरे में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर करने पर 2 डिग्री से डिफ्लेक्शन इंक्रीज होकर 10 डिग्री या 15 डिग्री तक चला गया, तो सेकंड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा सेंसिटिव हो। देखो अपन ये नहीं बोलते ना, कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग जो है जैसे थोड़ी सी ठंडी बढ़ती उनको जुकाम लग गई बोले ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ ठंडा खा लेते हैं तो दांतों में ठिठुरनसी होने लगती है कि इसके दांत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी मतलब कितना स्मॉल वेरिएशन पर अब रिएक्शन ज्यादा है, तो वो सेंसिटिव ज्यादा है। तो इस वाले केस में यदि अपने को सेंसिटिविटी बढ़ानी है, सेंसिटिविटी होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जनरली करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वो जो टॉर्क का फॉर्मूला तो थोड़े टाइम पहले सर ने डिस्क्राइब डिराइव किया था कि सी थीटा एक टॉर्क था और एक था एनआईएवी, यहां से थीटा अपॉन आई दिस इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दिस वैल्यू इज एनएवी डिवाइडेड बाय सी। तो आपको इसको इंक्रीज करना है और कौन सी क्वांटिटी को डिक्रीज करो, तो ऑब्वियसली सॉरी सिग्राइटा बढ़ाने के लिए क्या कम करना चाहिए, तो इसको इंक्रीज करना और डिक्रीमेंट किस में लेकर आओ, एन में डिक्रीमेंट लेकर आओगे नहीं पॉसिबल, एरिया में नहीं, बी में नहीं, तो सी जो है यदि उसमें डिक्रीमेंट ले आएंगे तो सुग्राहिता जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 58। कुछ सेंसिटिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन ही है ये भी। एक चलकुंडली धारा मापी के लिए वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता में हमें रिलेशन बताना है और धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा है। तो देखो सी थीटा की वैल्यू है हमारे पास बी आई एन ए, तो यहाँ से थीटा अपॉन आई ये हो गया हमारे पास वी एन ए बाई सी, इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो सिग्मा आई ये हो गई हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। अब हमें इससे वोल्टेज सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करना है, सिग्मा भी लिखना है। तो देखो तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई की जगह मैं लिख सकता हूं वी वाई आर। ठीक है, वोल्ट गैल्वेनोमीटर में आई की जगह लिख सकते हैं वी वाई आर, तो ये बन गया हमारे पास सिग्मा आई इक्वल टू थीटा अपॉन वी आर। ठीक है, अब थीटा अपॉन वी ये होती है हमारे पास वोल्टेज सुग्राहिता, थीटा अपॉन आई जब करंट सेंसिटिविटी थी तो थीटा अपॉन वी क्या हो जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो रिलेशन मिल गया सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा वी आर, आर जिसको यहां पर जी बोला है, तो सिग्मा वी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा आई अपॉन जी। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 58 के बाद 59। देखिए इसमें बोला गया कि दो गैल्वेनोमीटर है ए और बी, रिक्वायर्स 5 mA एंड 3 mA एंड 5 mA करंट्स रेस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन। सेम डिफ्लेक्शन के लिए इसको करंट 3 mA चाहिए और इसको 5 mA चाहिए, तो अपन क्या बोलते हैं कि थीटा अपॉन आई दैट इज द सेंसिटिविटी सिग्मा आई। तो करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन सेम है, जिसके लिए करंट ज्यादा उसके लिए सेंसिटिविटी कम कम है, तो 5 mA वाला जो है इसके लिए सेंसिटिविटी लेसर होगी और 3 mA के लिए सेंसिटिविटी जो है वो हायर होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ए जो है इट इज मोर सेंसिटिविटी इन कंपेरिजन टू बी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60। अनंत लंबे पीक्यूर चालक को समकोण पर मुड़ा है हमने, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इस धारा के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र H1 है। ठीक है, अब एक अनंत लंबाई के अन्य तार QS को Q पर जोड़ा गया है, QR और QS में प्रवाहित धारा I by 2, QR में QS में प्रवाहित धारा I by 2, PQ में धारा प्रवाहित रहती है, तो बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र H2 रहता है। समझ लो जरा क्वेश्चन किया कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर, बेसिकली इनफाइनाइट वायर था जिसको हमने यहाँ पर 90 डिग्री में बेंड कर दिया, तो ये दो सेमी इनफाइनाइट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इधर से इसमें आई करंट आएगी तो इसमें भी आई जाएगी आगे फ्लो के, यहाँ से किसी
डी डिस्टेंस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड एम पॉइंट पर पूछा है। तो देखो ये पॉइंट जो है वो इस वायर के तो अलोंग द लेंथ हो गया, तो इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं, इसकी वजह से यहाँ कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास बी वन इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई बी। ये तो पहले सिचुएशन में बात की। अब क्या किया है कि यहां पर एक और सेमी इनफाइनाइट वायर कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहां से जो करंट आई 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 है वो इन दोनों में आई वाई टू स्प्लिट हो गए। अब इस पॉइंट पे नया मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो देखो इसकी वजह से तो अगेन जीरो, इन दोनों की वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारे पास किधर, देखो आउटवर्ड द प्लेन, और इसकी वजह से भी आउटवर्ड द प्लेन, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो आई की वजह से यहां लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी प्लस आई बाई टू की वजह से हो जाएगा ये म्यू नॉट आई बाई टू अपॉन फोर पाई डी। तो ये बी टू की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ जाएगा हमारे पास थ्री बाई टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है बी वन बी टू का रेशो, जिसको बेसिकली इसने एच वन एच टू नाम दिया है। तो बी वन बी टू का रेशो यहां से क्या हो गया, बी वन रेशो बी टू आ गया यहां से वन अपॉन थ्री बाई टू, या बोल दो टू बाई थ्री। करेक्ट आंसर की बात करें तो थर्ड वन ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपना क्वेश्चन नंबर 61 कि एक एल लंबाई का एक लचीला तार है, दो निकटवर्ती स्थित बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, दक्षिणावर्त दिशा में धारा आई भरी है, और यदि इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक वर्ताकार सर्कुलर फॉर्म गेन कर लेता है, और वायर में टेंशन कैलकुलेट करना है। देखो बहुत सिंपल से तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले डेरिवेशनल पार्ट फिर ट्रिक वाला पार्ट। नेक्स्ट पेज पे आना सर एक बार, कि जैसे यदि इसमें टेंशन टी होता है और करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अपन ने क्या एक छोटा सा इसका सेक्शन लिया, और मान लो इसमें टेंशन टी डेवलप होता है तो इधर भी टी होगा और इधर भी टी होगा, सेंटर पे मैंने इधर थीटा वाई टू और इधर थीटा वाई टू एंगल लिया, तो इस टी के जो कंपोनेंट्स सेंटर की तरफ आते हैं वो दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं टू टी साइन थीटा वाई टू, और आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है आई इंटू बी इंटू में लेंथ डी। यदि अपन इन दोनों को बैलेंस करते हैं और एंगल थीटा टेंस टू जीरो लिखते हैं ना, तो थीटा टेंस टू जीरो में मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एंड दिस वैल्यू इज आई बी इनटू में लेंथ डीएल इज आर इनटू थीटा लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से टेंशन टी की वैल्यू मेरे पास बी आई आर आती है, और आर की वैल्यू एल लेंथ का आपने बनाया है तो बी आई एल अपॉन टू पाई अपने पास टेंशन जनरेट होकर आ गया। ये तो डेरिवेशनल पार्ट जनरली आप लोगों ने क्लास में कर रखा है। अब दूसरा ट्रिकी पार्ट इसका, देखिए टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली एफ टोटल डिवाइडेड बाय टू करना है, और एफ टोटल जो है ये एलजेब्रिक सम है। एलजेब्रिक सम की यदि बात करो कि मतलब वायर पर जो भी फोर्स लग रहा है ना जिस भी सेक्शन पर, आप उसका एलजेब्रिक सम करना। देखो आप इस वाले सेक्शन पे बात करोगे ना तो फोर्स लग रहा है आई बी इंटू डीएल, जैसे इस वाले सेक्शन पे बात करोगे तो इस पे लग रहा है आई बी इंटू डीएल, इस वाले सेक्शन पे बात करोगे तो आई बी इंटू डीएल, इस वाले पर भी आई बी इंटू डीएल। तो टोटल वायर पर यदि जो फोर्स लग रहा है उसके एलजेब्रिक सम की यदि अपन बात करते हैं तो एलजेब्रिक सम अपने पास आता आई बी, सब जगह सेम है, डीएल जो है वो टोटल लेंथ हो जाएगा इंटीग्रेट करने, डीएल डीएल पूरे सेगमेंट पे ऐड होके पूरे लेंथ के बराबर। टोटल जो है आपने जो बनाया वो टू पाई आर बोल दो या फिर टोटल लेंथ एल बोल दो, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सीधा सीधा आई बी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आ जाएगी, जहां L जो है उसकी लेंथ है। जैसे सेम क्वेश्चन सर अपन ये हर चैप्टर में मिलेगा लगभग आपको, एक ग्रेविटेशन ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हर चैप्टर में इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला बता दें Q1 और Q2 चार्ज वाला। जैसे देखो ये हम एक रिंग ले लें और इस पे अगर हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया सपोज Q चार्ज का, और यहां सेंटर पे रख दिया Q चार्ज, ठीक है। एलिमेंट होगा उस पर फोर्स क्या लगेगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब के डी क्यू इन सारे के सारे एलिमेंट के फोर्सेज का अगर हम सम देखेंगे तो पूरा का पूरा फोर्स आएगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आ जाएगा हर एक सेगमेंट पर लगने वाले फोर्सेज का एलजेब्रिक सम। अब टेंशन फाइंड करना है तो बस इसी को तुम 2 पाई से डिवाइड कर दो तो ये इसके अंदर टेंशन मिल जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, तो इस बार तो ये क्वेश्चन टिपिकल था और नेक्स्ट बार से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत
आसान सा हो जाएगा, चाहे किसी भी चैप्टर में पूछा जाए। देखे जरा 62 बोला है कि एम द्रव्यमान एवं क्यू आवेश का एक कण वी वेग से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, कि यहां से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में ये क्यू और एम मास का पार्टिकल गतिशील है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी इसी रीजन के बीच में है, और वो भी है ऋणात्मक जेड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। ये हो गया एक्स और ये वाई। तो बोला है कि बी का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि ताकि जो पार्टिकल जो है वो यहां इसमें ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन बी वाले रीजन में एंटर कर जाए। तो देखो यहां से जब ये पार्टिकल आएगा यहां बी रफ्तार से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा और ये इस तरह से वो सर्कुलर मोशन करना चाहेगा, तो इसकी जो रेडियस जो होगी आर उसकी वैल्यू हो जाएगी एम बी बाई क्यू बी। अब देखो अगर ये रेडियस जो है इस सेपरेशन से, ये बी है और ये ए, बी माइनस ए, अगर ये रेडियस बी माइनस ए से कम हुई तो ये सी के अंदर बेंड होके वापस आ जाएगा, कभी भी इस रीजन में नहीं पहुंचेगा। इस रीजन में पहुंचाने के लिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो रेडियस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए होनी चाहिए। क्लियर है कि रेडियस की वैल्यू जो है वो इस सेपरेशन से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर, या उससे मतलब b माइनस ए हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में ये b रीजन में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एक बार यहां कहीं पहुंचा तो इसके बाद यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा जो इसको फिर से बेंड करा सके, डेविड करा सके, तो इजीली आगे इसी में मूव करता रहेगा। तो यहां पर बस कंडीशन लगाते हैं, रेडियस की वैल्यू है एम बी अपॉन क्यू बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहां से बी की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बी माइनस ए बी बाई एम, ठीक है। तो इतनी हमें मिनिमम स्पीड जो है वो आ जाएगी यहां से हमारे पास क्यू बी बी माइनस ए। क्लियर, यहां से अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है कि दो थिक हैं और दो थिन वायर्स हैं, उनको फॉर्म करके अपन ने एक स्क्वायर बनाया है, तो किस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा? देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सोचो जरा, जैसे मान लो इधर से करंट जो है यहां से आई वन जा रहा है और यहां से आई टू जा रहा है, इन दोनों वायर्स की वजह से जो स्ट्रेट वायर्स हैं इनकी वजह से तो सेंटर पे वैसे भी जीरो हो जाए। तो I1 और I2, यदि I1 और I2 इक्वल हो गए ना तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है जीरो, और यदि इक्वल नहीं हुए, अनइक्वल हुए तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर वाला वायर प्रोड्यूस करे उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाला करे। तो इन दोनों केसेस में जैसे मैं इस वाले केस और इस वाले केस में देखता हूं तो यहां का रेजिस्टेंस और यहां का रेजिस्टेंस इक्वल है, इसमें क्या है R1 plus R2, इसमें भी R1 plus R2, लेकिन इस वाले केस में जैसे R1 और R2 plus R2, मतलब दोनों साइड में रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो करंट भी सेम नहीं होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो ये वाला जो केस है तीसरा वाला, ये P, ये Q और ये R, तो P और R जो है उसमें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, और Q वाला जो है उसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 बोला है कि एक आर त्रिज्या वाली वलय पर जो कि कुचालक पदार्थ से बनी हुई है क्यू आवेश समरूप रूप से अपने वितरित कर रखा है, यदि इस वलय को उस अक्ष के परितः एक केंद्र से इसके केंद्र से जाता है, उस वलय के लंबवत तल ओमेगा कोण ही वेग से इसको घुमाया जाता है तो इसका चुंबकीय आवरण पूछा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन का हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कोई भी बॉडी है जिसपे सपोज क्यू चार्ज है, एम मास है इसका, ठीक है, ये अगर रोटेट कर रही है ओमेगा से तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो लिखा जाता है वो आता है क्यू बाई टू एम इंटू में एल एल वेक्टर, एल है यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, ठीक है। अब ये किसी भी तरह की बॉडी हो सब पे आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमें बोला है कि जो बॉडी है वो है एक रिंग जिसकी रेडियस है आर और इस पे चार्ज है वो क्यू फैला हुआ है, इसे अक्ष के परितः इस अक्ष के परितः इसको घुमाया गया है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो चार्ज अपॉन टू मास L की वैल्यू हो जाएगी I ओमेगा, तो I हो जाएगा इसका एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी Q ओमेगा R स्क्वायर बाई टू, इतना इसका एंगुलर इसका जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट रहा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 64 के बाद 65। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसमें मैं ट्रिक बतलाता हूँ कि कैसे अपन डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं।
कि वो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो कंडक्टर सिलेंडर है जिसमें इनर रेडियस आर बाई टू और आउटर रेडियस कैपिटल आर है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए रेडियल डिस्टेंस के फंक्शन के फॉर्म में। चलिए सर नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे ये अपने पास इनर पार्ट होलो है ना, तो इनसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, इंटीग्रल बी डॉट डीएल बनाएंगे जीरो। अच्छा आउटसाइड में यदि आप बात करोगे तो आउटसाइड में इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट आ जाएगा, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर आ जाएगा। अब मुद्दा यह है कि सर ये इनसाइड वाले में ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। देखो याद फेमस है, याद रखना चाहो तो बोला स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो इस वाले ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन के अलावा का ऑप्शन यदि अपन देखते ना तो केवल एक ऑप्शन है। बाकी उसके अलावा जैसे मैं बोलूं कि अपन ने यहां से मान लो स्मॉल आर रेडियस का एक लूप चूज किया, तो बी डॉट डीएल इज बी इंटू टू पाई आर, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड की बात करनी है तो आई इनक्लोज्ड को मैं लिख सकता हूं करंट डेंसिटी इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर एरिया के बेसिस पर। अब देखो यहां से सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल आ रहा है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 अपॉन आर, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तुम्हें जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, तो यदि अपन यहां से बात करें क्वेश्चन में चले तो देखो ये इसमें तो इनसाइड में जीरो नहीं दे रखा तो गलत हो गया, इसमें इनसाइड में जीरो इधर स्ट्रेट सीधा यूनिफॉर्म तो गलत हो गया, इसमें स्ट्रेट लाइन तो गलत हो गया, तो बचा कौन सा फोर्थ वाला ऑप्शन। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। देखो नीट के पेपर में कई दफा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में यदि आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पता है या फिर आपको उसकी ट्रिक पता है तो वो क्वेश्चन हिट हो जाता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन फिर नहीं हो पाता है। देखें जरा 66 क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास दो ये इन्फिनिट वायर हैं जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इनके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का पोजीशन के साथ गिना पड़ा, तो ये इन्फिनिट वायर। अब देखो वायर की वजह से अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ वाले रीजन में, तो इसकी वजह से ऊपर आएगा, तो यहाँ ग्राफ इधर कहीं आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इस रीजन में ऊपर यहाँ नीचे, इस रीजन में यहाँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। तो ऐसी शेप अगर हम देखें तो ये हमें केवल सेकंड मिल रही है, केवल सेकंड में मिल रही है, तो एक तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें इसमें तो देखो दोनों की जो डायरेक्शन है हमारे पास सेम है, इसकी वजह से अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, इसकी वजह से ऊपर आ रहा है, तो बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट भी मिलेगा जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट नॉट हो जाएगा इनके लिए। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है कि एक सरल रेखीय धारावाही तार है जिसकी त्रिज्या a है और उसमें x से दूरी के फलन के रूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो यदि इस तार में अपन आगे की ओर बात करते हैं बाहर की ओर, तब तो अपने को पता है कि ये वाला जो वायर है बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो जैसे ये वाला वायर है तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो सीधा सीधा एक स्ट्रेट वायर की तरह दिखता है, जैसे अपन ने वो कोनिकल वाला क्वेश्चन भी किया था, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनसाइड में यदि अपन बात करते हैं तो करते क्या है, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में करंट डेंसिटी इंटू में एरिया, तो बी जो आता है इस वाले केस में आर के, ये आर के प्रोपोर्शनल, इनसाइड में आर के प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड में आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ग्राफ की यदि बात करो तो इस वाले में देखो इनसाइड में प्रोपोर्शनल ये रहा और ये रहा, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रहा ये नहीं है, तो फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं 67 के बाद 68। मतलब एल लंबाई का एक हमारे पास एम चुंबकीय आघूर्ण की एक छड़ है, ये एक चुंबकीय छड़ इसकी पोल स्ट्रेंथ ये प्लस एम ये माइनस एम, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा एम एम, जहां पर ये इसके डाइपोल्स के बीच की इफेक्टिव लेंथ हो। बिल्कुल। अब बोला इसको हमने एक अर्धवृत्ताकार में मोड़ दिया, तो ये प्लस एम ये माइनस एम, अब इनके बीच की इफेक्टिव लेंथ जो है ना ये हो गई डायमीटर के इक्वल 2r, तो अब जो नया डायपोल मोमेंट लिखा जाएगा वो हो जाएगा m into 2r। अब देखो r को l में कन्वर्ट करते हैं तो पूरी की पूरी l किसके इक्वल हो गई, आधी सर्कमफेरेंस के इक्वल, तो यहां से r की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू क्या हो जाएगी l अपॉन पाई, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2 ml अपॉन पाई, और ml जो है हमारे पास वो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट था, तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 2m / 5 सेकंड। ठीक चलिए सर नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 69।
कि एक बार मैग्नेट है जिसको फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री पर है, फील्ड की वैल्यू 5×10^-2 टेस्ला, इसमें टॉर्क अपने को गिवन है और अपने से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पूछी गई है। देखिए बार मैग्नेट के लिए टॉर्क की वैल्यू वैसे mv sin θ होती है, थीटा अपने को 30 दे रखा है, टॉर्क की वैल्यू है 25×10^-6, इसकी वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी ml, b की वैल्यू है 5×10^-2, साथ में sin 30 दैट वैल्यू इज 1/2, लेंथ अपने को गिवन है 5 cm, तो इसको अपन लिखना चाहे तो इट इज m × 5/100 × 5 × 10^-2 साथ में 1/2, और ये वाला डाटा है 25×10^-6। देखिए 25 से तो 25 कैंसिल आउट हो गया। पावर की बात करें तो ये 10^4 उधर डाके 10^-6, तो 10^-2 बचा और ये वाला डाटा 2 चला गया। तो पोल स्ट्रेंथ एसआई यूनिट में अपने पास एम्पीयर इनटू मीटर में आ रहा है 2×10^-2, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, एक चुंबक का चुंबकीय आवरण M है, इसे यामी उत्तर से 60 डिग्री घुमाने में किया गया जो कार्य है वो 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य का N गुना है, 90 डिग्री घुमाने में जो किया गया कार्य है वो N गुना है 60 डिग्री के, ठीक है। तो N की वैल्यू पूछिए, तो देखो B की डायरेक्शन से जो किया गया कार्य जो होता है थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में, वो होता है हमारे पास mb cos θ1 - cos θ2। तो देखो 60 डिग्री घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो ये कार्य करना पड़ेगा mb cos θ1 जो कि इनिशियली 0 डिग्री -cos 60 1/2, तो ये आ गया हमारे पास mb/2। अब इसको 90 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो mb cos initial θ तो कितना 0, तो 1, और फाइनली 90 करना है तो ये हो जाएगा 0, तो mb। चलिए अब इसने बोला है कि जो 90 में जो कार्य किया है ना वो n गुना है किसके 60, तो ये कितना है mb n mb/2, तो साफ साफ देख सकते हो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो देखो 71 में कह रहा है कि एक सेंसिटिव इक्विपमेंट है और उसे हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, तो उसको किस में रखना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है ना तो किसी भी कंडक्टर में प्लेस कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से बचाना होता है तो उसे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो उसमें रख देते हैं। तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो देखिए प्लेस्ड इनसाइड एन एल्यूमिनियम केस, एल्यूमिनियम जो होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो नहीं होगा। प्लेस्ड इनसाइड एन आयरन कोर, आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। और वैसे इसमें रैप्ड अराउंड ए कोयल जिसमें करंट फ्लो कर रही हो तो उसका तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो वैसे भी करेक्ट नहीं है। और फोर्थ वाले में बोल रहा है कॉपर शीट जो है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें 72। तो देखो बोला है कि पॉइंट चार्ज जूल पर टेस्ला चुंबकीय आवरण के छोटे चुंबक के 0.16 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो स्थायी अवस्था में इसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी। तो स्थायी अवस्था का मतलब है कि एम और बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और चुंबकीय क्षेत्र वो समान दिशा में होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -mb cos θ, तो cos थीटा यहाँ हो गया cos 0, तो हम सीधा सीधा सा बोल सकते हैं ऊर्जा हो गई -mb। अब एम की वैल्यू दे रखी है 0.4, B की वैल्यू दे रखी है हमें 0.16, तो ये ऊर्जा हो जाएगी 0.064, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है कि एक छोटी चुंबकीय सुई P व Q की विभिन्न स्थितियां चित्र में प्रदर्शित हैं, तीर के द्वारा इनकी चुंबकीय आघूर्णों की दिशा को दर्शाया गया, कौन से अभिविन्यास में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। तो देखो जैसे मैं कहूं कि इस वाले केस में अपन P की वजह से चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, और इसको m देखकर अपन डिसाइड कर लेते हैं। तो यदि m और b के बीच एंगल 0 डिग्री है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, 180 है तो अनस्टेबल। वैसे भी हमें केवल लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करनी है, तो 0 डिग्री वाला केस। देखो यदि यहां पर मैग्नेट है ना तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो इधर मतलब ये नहीं, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये इक्विटोरियल पॉइंट है तो अपोजिट, इस वाले पॉइंट पर अपोजिट वाले डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में। अब ये Q1 और Q2 तो नहीं होंगे, इन चारों में देखें तो ये तो अनस्टेबल को दे रहा है, ये वाला अनस्टेबल को दे रहा है, अब ये दोनों जो है ना ये स्टेबल को दे रहे हैं। अब मुद्दा ये है सर कि फिर आप कौन सा चूज करेंगे। देखो यदि ये सर्किल है
तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और साथ में उसका मैग्नेटिक मोमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब। मतलब यदि मैं यहां स्थितिज ऊर्जा माइनस यू नॉट बतलाता हूं तो इस वाले पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो डियर माइनस 2 यू नॉट होगी। तो फिर अपने को ज्यादा, फिर बोला कि फिर कौन से में न्यूनतम है, तो भी पहले तो अपन ने स्टेबल देखा, बोले दो जगह स्टेबल आ गया, फिर दोनों स्टेबल में देखा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर डबल है, तो नेगेटिव में डाटा डबल में गया, तो अपन बिल्कुल बोल सकते हैं जैसे माइनस 3 और माइनस 5 कौन सी लोअर वैल्यू है, तो माइनस 5 इज द लोअर वैल्यू। सो इस वाले केस में PQ6 जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं सर 74 में। तो बोला समान त्रिज्या की कुंडलियां वाले दो स्पर्श जा धारामापी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रवाहित धारा उसमें क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री के विक्षेप को उत्पन्न करती है। तो देखो, एक तो दोनों के दोनों जो गैल्वेनोमीटर जो है हमारे पास वो श्रेणी क्रम में, तो दोनों में धारा तो हो गई समान, और एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जो धारा होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टैन थीटा के। क्लियर है क्या? तो प्रवाहित धारा में 60 डिग्री और 45 डिग्री के विक्षेप उत्पन्न करते हैं, तो कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई प्रोपोर्शनल टेन थीटा, तो यहाँ आई कांस्टेंट के टेन थीटा, और ये जो कांस्टेंट है ये नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से देखोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स सीधा सीधा सा प्रोपोर्शनली आ गया हमारे पास टेन थीटा के। तो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स का अगर हम रेशियो देखें तो वो हो जाएगा टेन थीटा मतलब 1060 अपॉन 1045, तो ये रेशो आ जाएगा हमारे पास रूट 3 रेशो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 कि टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स 1 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 2 मीटर विद ईच अदर, देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स इज, कि मतलब कुछ इस टाइप से रखे गए हैं, एक को अपन ने कुछ इस टाइप से रखा है, एक को कुछ इस टाइप से रखा है, और इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। देखिए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साथ में 2m अपॉन आर क्यूब होगी यदि ये डिस्टेंस आ रहे तो, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए इक्विटोरियल पॉइंट है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साथ में m अपॉन आर क्यूब होगा। देखिए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट रूट 5, तो दैट इज रूट 5 म्यू नॉट, दैट इज 4 पाई इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 7 इनटू में m, m इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई साथ में r क्यूब। देखिए सेपरेशन 2 मीटर दिया, ये तो है तो ये 1 है और ये 1 है तो ये 1, अब 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब वैल्यू सीधी सीधी बहुत सिंपली इट इज रूट 5 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 7 टेस्ला, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 76 में, मतलब एक नतिक मापी को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इसकी सुई चुंबकीय यामितर में स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है, इस स्थिति में नतिक कोण 40 डिग्री प्राप्त हुआ, अब यदि नतिक मापी को चुंबकीय यामितर से 30 डिग्री कोण पर स्थित तल में घुमा दिया जाए तो इस तल में सुई का नमन कोण क्या होगा। बेसिकली अपेरेंट डिप का क्वेश्चन है हमारे पास, कि सपोज ये हमारे पास एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो सच में जो मैग्नेटिक मेरिडियन है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में लाई करेगा। क्लियर, ये हॉरिजॉन्टल से सपोज एंगल बना रहा है डेल, जिसको मैं एंगल ऑफ डिप नाम दे रहा हूं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारे पास बी कॉस डेल और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यहां पर बी साइन डेल, तो देर यहां पर एक्चुअल हमारे पास एंगल ऑफ डिप है। अब क्या किया जा रहा है, इसकी बजाय एक दूसरा मेरिडियन ले लिया हमने, दूसरा प्लेन ले लिया, ठीक है, जो कि इस प्लेन के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन था, इससे किसी थीटा एंगल पर ये वाला हमने वर्टिकल प्लेन ले लिया, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट तो उतना ही रह गया इस नए प्लेन के लिए भी, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, तो देखो ये है हमारे पास v cos del, इसको बोल देते हैं हम bh, इसका भी cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो हमें इस नए मेरिडियन में मिलेगा। क्लियर, तो हुआ क्या बेसिकली ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारे पास ज्योग्राफिक दूसरा मेरिडियन हो गया हमारे पास, ठीक है, अब इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है तो इस प्लेन में भी वही दिखेगा, बट इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का cos वाला कंपोनेंट आएगा हमारे पास। क्लियर, तो नए मेरिडियन में क्या कहानी हो गई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारे पास bh cos थीटा, या बोल दो b cos del
cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारे पास b sin थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें इस प्लेन में इधर कहीं आता हुआ दिखेगा, तो ये हो गया हमारे पास अपेरेंट एंगल ऑफ डिप डेल डैश। तो यहां से देखें तो डेल डैश की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा b sin डेल अपॉन b cos डेल cos थीटा। तो ये आ गया tan डेल डैश इक्वल टू tan डेल अपॉन cos थीटा cos थीटा। तो ये हमारे पास अपेरेंट एंगल ऑफ डिप आ गया। अब cos में क्या बोला है कि भाई ये जो थीटा जो है ना हमारे कि इनिशियली जो एंगल ऑफ डिप था वो था हमारे पास 40 डिग्री। अब इसको हमने क्या किया 30 डिग्री एंगल पर दूसरा जो मेडियन हमने लिया है उसके लिए अपेरेंट पूछा है। तो देखो ये है हमारे पास डेल की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री और थीटा की वैल्यू है 30, तो ये cos 30 जो है वो 1 से कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है ना 10 डेल से ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। अब वैल्यू इंक्रीज हो गई है 10 डेल की, तो हम कह सकते हैं डेल डैश में क्या हुआ होगा इंक्रीज हुआ होगा, तो डेल डैश की वैल्यू ऑफ 40 से हमें थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन मोर देन 40 डिग्री। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें। 77 में बोल रहा है कि v विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और इस पर बल F लगता है, यदि विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो बल की बात। देखिए फोर्स जो है वो अपने पास q v क्रॉस b से गिवन है, अनुप्रस्थ बोल रहे हैं तो q v भी बोल सकते हैं अपन सीधा सीधा। अब v जो है स्पीड, उसके लिए अपन बोल सकते हैं कि दैट इट इज अंडर रूट 2m इनटू में देखिए सॉरी अंडर रूट 2k भाई बाई इनटू में b b। और काइनेटिक एनर्जी जो है यदि v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेटेड है तो q डेल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के या फिर रूट डेल्टा डेल्टा के। अब जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया तो फोर्स जो है वो रूट टू टाइम्स हो जाएगा, तो इस वाले केस में नया जो फोर्स आएगा दैट विल बी रूट टू एफ। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें 78। अगर किसी स्थान पर नमन कोण का सही मान जो है भाई अभी जो आपने किया था उसी पे एग्जिट वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक्चुअल एंगल जो है वो 60 डिग्री है चुंबकीय आवर्तन से 30 डिग्री के कोण पर नमन कोण का आभासी मान क्या हो जाएगा, तो आभासी कोण 10 डेल एस की वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल 10 डेल जो कि 60 डिग्री है और इसको 30 डिग्री पर घुमाया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट थ्री कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट थ्री बाई टू, तो ये बन गया 2, तो डेल डैश की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 2। अपेरेंट एंगल जो है उस प्लेन में 10 इनवर्स 2 का हमें मिलता है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें 79। ये कह रहा है कि एक वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर है और उसमें दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर और उनका जो टाइम पीरियड आ रहा है ना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में वो 2^5/4 सेकंड आ रहा है। वो कह रहा है one of the magnets is removed and if the other oscillates in the same field then the time period in seconds, एक मैग्नेट को हटा दिया तो दूसरे वाले की वजह से टाइम पीरियड कितना आएगा। तो हमने कहा देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो 2π अंडर रूट में i अपॉन md होता है ना, जो i उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले वाले केस में तो दो मैग्नेट्स हैं तो m की जगह तो रूट 2m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i प्लस i दैट इज 2i, तो टाइम पीरियड जैसे t1 की बात करेंगे दैट वैल्यू विल बी रूट 2 i अपॉन mb। मैंने क्या किया 2i अपॉन रूट 2 तो रूट 2 बच गया। और दूसरे वाले केस में t2 की वैल्यू केवल एक मैग्नेट बचा है तो 2π अंडर रूट i अपॉन mb से अपन सीधा कह सकते हैं। अब देखो यहां से यदि मैं t1 अपॉन t2 को डिवाइड करता हूं तो ये 2^1/4 बचता है, बाकी सारा डाटा तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो t2 की वैल्यू मेरे पास t1 अपॉन 2^1/4 आती है, ठीक। अब देखिए t1 जो है वो 2^5/4 सेकंड दे रखा, तो ये 2^1/4 तो एक बार 1/4 पावर तो सही होगी तो 2^4/4 बची मतलब 2^1 बच गई। तो यहां से यदि अपन करेक्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं 2 सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 80। तो देखो हमें ये अरेंजमेंट दे रखा है इसकी वजह से हमें इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक अगर हम बात करें किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क की वजह से कि सपोज ये आई है, ठीक है, इसकी वजह से अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है सेंटर पे, वो आता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4π r। अब हमें जो आर्क जो यहाँ पर दे रखे हैं वो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल दे रखा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन
तो बेसिकली एक 1/4 आर्क 1/4 सर्कुलर पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन ए का। अब देखें जरा क्वेश्चन, हाँ भाई तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों वायर्स के पोर्शन की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि अलोंग द लेंथ हो गए। अगर हम अंदर वाले की बात करें तो इसकी वजह से आएगा बाहर की तरफ कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 8 रेडियस एस की ए। और बाहर वाले लूप की वजह से बात करें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 रेडियस हो गई बी। अब देखो ए कम है तो ये वैल्यू ज्यादा रही होगी, ये वैल्यू कम होगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें इतना मिल जाएगा, तो जो कि आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। और डायरेक्शन क्या है, ए की वजह से बाहर की तरफ, मतलब रिजल्टेंट बाहर की तरफ आने वाला है, क्योंकि अंदर वाले का क्या है बाहर की तरफ ज्यादा है, बाहर वाले का कम है, तो नेट बाहर की तरफ मिला मतलब के क्यूब डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें बोल रहा है कि एक छड़ चुंबक को 0. छड़ चुंबक जिसकी लंबाई 0.2 मीटर लंबी तथा 100 फेरों वाली परिनालिका के अंदर रखकर विचुंबकित किया गया है। अब देखिए छड़ चुंबक के लिए यदि मैं और विचुंबकन वाली बात करता हूं तो आपको शायद ये ग्राफ याद होगा BH का, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर अपन इसको कोरोसिविटी कहते हैं, मतलब निग्रहित था कि इस पर्टिकुलर एक्शनल फील्ड पर उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। तो वहां पर अपन H की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो बी बाई म्यू नोट से करते हैं। तो ये जो बी है वो दे रखा है मेरे को म्यू नोट एन आई, यदि परिनालिका में एन फेरे हैं प्रति इकाई लंबाई, धारा यदि आई है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट एन आई। तो यदि यहां से H की बात करें तो H की वैल्यू डायरेक्टली अपने पास एन आई की इक्वल होगी। देखिए एन बोले तो 0.2 डिवाइडेड बाई 100 प्रति इकाई लंबाई फेरे, साथ में धारा 5.1 एन सर 100 बाई 0.2 सॉरी This value is 100 divided by 0.2 multiplied with 5.2. तो ये 2 point तो cancel out हो गया, ये cancel out हुआ 26. तो यहाँ पर अपने पास निग्रहित था porosity की जो value आ रही that is 2600 mpf per meter. चलिए सर 82 की बात करें। ये पृथ्वी के पृष्ठ के किस बिंदु पर A पर नदी कौन positive मिला और B पर हमें negative मिला? तो बताना points के बारे में। तो देखो angle of dip जो है ना वो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वहां पर पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव सा क्वेश्चन है, नीट के अंदर आया हुआ भी है। यदि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव लेना और साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो एंगल ऑफ डिप, एक तरह से साइन कन्वेंशन की तरह ये स्टैंडर्ड माने हुए, बिल्कुल स्टैंडर्ड माने हुए। तो बोला है कि ए पर क्या एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव है मतलब वो डेफिनेटली नॉर्थ में रहा होगा और हमारे पास जो बी जो है वो उसके लिए नेगेटिव है तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में रहा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर, थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। बोल रहा है दैट अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड मैग्नेटिक मोमेंट पीएम इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ दे आर पुट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन द ऑपोजिट पोल्स टुगेदर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। देखिए उस बार मैग्नेट को दो पार्ट में बनाया और रखा कुछ ऐसे है कि यहां पर N इसका S और यहां पर इसका S और इसका N ऑपोजिट पोल्स टुगेदर बोला है, तो अपने को इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है ना। देखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, है तो परपेंडिकुलर पड़ने साथ साथ दोनों सेम रख देते ना तो भी यही आता परपेंडिकुलर रखने पर। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, यदि मैं इसकी लेंथ को 6 सेंटीमीटर कहता हूं ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ के प्रोपोर्शन होता है। तो 14 सेंटीमीटर का पीएम है तो 1 सेंटीमीटर का पीएम बाय 14 और 6 सेंटीमीटर का 6 इनटू पीएम बाय 14 और इसका इधर वाला जो होगा दैट इज 8 पीएम डिवाइडेड बाय 14। तो नेट जो अपने पास आएगा, देखिए ये हो गया 6 पी नॉट और ये हो गया 8 पी नॉट, तो रिजल्टेंट आप निकालोगे तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा 10 पी नॉट और पी नॉट की वैल्यू है पीएम बाय 14, सो इट इज 10 पीएम डिवाइडेड बाय 14। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो अपने पास इस सिचुएशन में आ रहा है दैट इज पीएम डिवाइडेड बाय 1.4। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, लाइक इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के एक बंद पास हमें दे रखा है एबीसी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एबी के अलोंग है, क्लियर? एबी दिशा के अनुदिश है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। तो भुजा बीसी पर अगर चुंबकीय बल एफ है तो भुजा एसी पर बल निकालना है। तो देखो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग लूप रखी जाती है तो नेट फोर्स क्या आता है उस पे? जीरो आता है।
मतलब एफ ए बी, ए बी पर फोर्स, बी सी पर फोर्स और हमारे पास ए सी पर फोर्स, तीनों पर नेट फोर्स क्या आना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब देखो ए बी जो है हमारे पास वो तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो डीएल वेक्टर इसके सेगमेंट डीएल वेक्टर और बी के बीच में एंगल जीरो हो गया, तो इस पे तो फोर्स लगेगा। क्लियर? एफ बी सी की वैल्यू हमें एफ वेक्टर दे रखी है, तो एफ ए सी फाइंड करना है, तो साफ साफ देख सकते हो एफ ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ वेक्टर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85 कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल 300 केल्विन इज 1.2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5, एट व्हाट टेंपरेचर विल द ससेप्टिबिलिटी इंक्रीजेस टू 1.8 इनटू 10 की पावर माइनस 5, है ना। देखिए टेंपरेचर के साथ यदि मैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की ससेप्टिबिलिटी की बात करता हूं, तो वो क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से इन दोनों वैल्यूज में ये वाली वैल्यू यदि मैं जैसे जाइएम नॉट कह देता हूं, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास वैसे 3/2 जाइएम नॉट है। तो यदि मैं दोनों का रेशियो लूंगा और टेम्परेचर की बात करूं, तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जैसे जाइएम 2 डिवाइडेड बाई जाइएम 1, दैट वैल्यू इज T1 डिवाइडेड बाई T2। अब इसकी वैल्यू तो वैसे 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, ये वाली वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, कैंसिल आउट हुआ 3/2 टाइम्स, तो T2 की वैल्यू जो है वो 2/3 इनटू में T1 आ रही है, दैट इज 2/3 इनटू में 300। यहां से यदि अपन बात करें टेंपरेचर जो आ रहा है दैट इज 200 केल्विन, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, 86 की बात करें तो एक साइकिल टोन में आवेशित कण की आवृत्ति किस चीज पर निर्भर नहीं करती है, तो देखो टाइम पीरियड क्या आता है उसके लिए, वो आता है हमारे पास 2πm/3। या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो इसका इनवर्स qb/2π। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करती है, बट यह स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो स्पीड पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वैसे फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक सी बात है, क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने फ्रीक्वेंसी से डिस्कस किया, ओमेगा जो होता है वो 2πf होता है, तो बात तो सिमिलर सी है, तो वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87 कि किसी भी बॉडी पर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लोरेंट्ज फोर्स की कैलकुलेशन, तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फोर्स, तो नेट फोर्स जो होगा दोनों का वेक्टर समीशन होगा, तो अपन बोलेंगे सर इस वाले केस में फर्स्ट है qe + qv × v, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं सर, 88 की बात करें, 5 cm त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में धारा का क्या मान होना चाहिए जिससे यह पृथ्वी में क्षैतिज घटक BH को निरस्त कर दे। क्लियर? मतलब कि वैसे देखा जाए तो हम न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलिए सर, तो देखो कुंडली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है हमारे पास मीनोटाइट टू अर्थ, इसको हमें कैंसिल करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, दोनों की वैल्यू सेम और अपोजिट में होनी चाहिए, तो यहां से हमें आई निकाल सकते, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 2RBH बाई म्यू। तो देखो रेडियस हमें दे रखी है 5 × 10⁻⁵ - 5 - 2 रेडियस। अच्छा रेडियस की वैल्यू है 5 × 10⁻⁺ - 2 BH की वैल्यू दे रखी है हमें 5 × 10⁻⁵ - 5 अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4π × 10⁻⁷। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28 जून से अपना डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज, सोमवार से लेकर शनिवार तक एक टोपी का टेस्ट होगा और संडे को फुल सिलेबस का मेजर टेस्ट होगा, नाम है DCM डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज, जो नीट का अलग शुरू हो रहा है और जे का भी शुरू, दोनों से अलग होंगे, नीट DCM फॉर नीट DCM फॉर जे, ठीक है, उन सबको फॉलो करना है। गुरुनीति आप देख रहे होंगे, कोर्स आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना, मेहनत करो, और मैं तो कहता हूँ घर हो तो सीकर की ओर मूव कर लो, बच्चे सीकर आना स्टार्ट हो गए। ओके दोस्तों, दो क्वेश्चन बाकी है, रुका दो बेटा, थैंक यू। चलिए तो अपन अपने अगले क्वेश्चन 89 की बात करते हैं। 89 में कहा गया दैट ए मैग्नेटिक मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, मतलब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है,
तो मैग्नेटिक फील्ड में किधर मूव करेगा? देखो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन फील करते हैं तो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे। डायमैग्नेटिक जो है वो रिपल्सन फील करता तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाएगा यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो पहले वाले में बोला गया फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड, गलत। परपेंडिकुलर टू द फील्ड, गलत। फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90। When a ferromagnetic material is heated to temperature above the Curie temperature, the material will be. कि देखो Curie temperature जो है, इससे अगर कम temperature की बात करें, तो यहाँ पर तो ferromagnetic, जो ferromagnetic ही behave करेगा। इससे temperature अगर ज्यादा कर दिया जाए, तो यही ferromagnetic जो है, वो paramagnetic material की तरह behave करने लग जाता है। यही तो Curie temperature की basically definition होती है। बिल्कुल। तो susceptibility जो है, फिर उसके बाद Curie temperature के बाद उसका formula C divided by T minus TC के according variation होता है। But after Curie temperature, not before Curie temperature। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जल्दी इससे ज़्यादा पर behave लाइक है। Paramagnetic fourth correct answer। Okay dear, तो इस session में हमारी तरफ से इतना ही। मिलते हैं फिर बाद में। तब तक के लिए goodbye।